गुड मॉर्निंग क्लास आज हमें करना है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा यह हमारे स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है तो इसमें काफी सारी बातें ऐसी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यह चैप्टर जितना इजी है उसके साथ में उतना स्कोरिंग भी है और एग्जाम में एग्जाम में जो अभी तक का रिकॉर्ड है इस चैप्टर में से लगभग 20% परसेंट मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं 20% परसेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जैसे सीपीडी में 25 मार्क्स का जब पेपर हुआ करता था तो 25 में से अप्रोक्स 5 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर में से कई बार आ चुके थे तो अब हमारा स्टैट्स का पेपर है 40 मार्क्स का तो 40 में से चांसेस है कि 5 से तो थोड़े ज्यादा ही आ सकते हैं वैसे ये फिक्स रूल नहीं है कि इतने क्वेश्चन तो ऑलवेज आएंगे बट जो हमारा एवरेज कहता है वो यही है कि इस चैप्टर में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये चैप्टर इजी है स्कोरिंग है इसे बहुत अच्छे से आपको करना है ठीक है एक एक क्वेश्चन इसका आपको अच्छे से आना चाहिए ज्यादा पार्ट इसके अंदर थ्योरी है और प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत कम फाइन चलिए सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसका ओरिजिन कहां से हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की और सबके अलग अलग व्यूज है तो उनमें से कुछ व्यूज क्या है वो हमें याद रखने हैं सो वन रखनेटैटिस्टिक्स इज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस लैटिन वर्ड क्या है स्टेटस अकॉर्डिंग टू अनादर स्कूल ऑफ थॉट its origin is from the italian word statista. italian word statista. latin me, status, or italian me, statista. then some scholars believe that this is originated from the german word statistic. german me, statistic. and the french word, statistique. फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक तो फोर वर्ड हो गए फर्स्ट इज लैटिन वर्ड स्टेटिस सेकेंड इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा थर्ड वन जर्मन वर्ड दैट इज स्टैटिस्टिक एंड फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक तो ये चारों नेम हमें याद रखने हैं तो इसी के ऊपर बेस जो एक क्वेश्चन बना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कौन सा फॉल्स है ये हमें फाइंड करना है तो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस दिस इज करेक्ट इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा अगेन करेक्ट देन फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक नो फ्रेंच में कहेंगे स्टैटिस्टिक। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट अब आती बात डेफिनेशन की स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है तो स्टेट्स की जो डेफिनेशन है ये टू पार्ट्स में है दैट इज सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में इसका मीनिंग अलग अलग है क्या मीनिंग है वो देखते हैं स्टेट्स वेन यूज एज अ प्लूरल नाउन जब प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है देन इट मे बी डिफाइंड एज डेटा तो उसे हम कहते हैं डेटा तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन विच मीन्स डेटा डेट आर कलेक्टेड जो कि हम कलेक्ट करते हैं यूजली व्यू टू हैव स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तो डेटा कलेक्ट क्यों किया जाता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए तो न्यूमारिकल डेटा शुड पर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसे स्टेटिस्टिकल डेटा कब कहा जाएगा उसे स्टैटिस्टिकल डेटा सिर्फ हम तभी कहेंगे जब ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगे तो जब तक ये फीचर्स उस डेटा में नहीं होंगे हम उसे स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं कहेंगे क्या क्या चीजें हैं वो देखें फर्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स हमारे पास होनी चाहिए अफेक्टेड टू मार्क्स एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस अब जो फैक्ट है डेटा है वो बहुत सारे कारण से अफेक्ट हो सकता है कि जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं किसी के बहुत कम तो कम आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं हो सकता है वो क्लास में एबसेंट था हो सकता है उसने घर पे रिवीजन नहीं किया या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो जो भी हमारे वैल्यू है वो बहुत सारे कारणों से अफेक्ट हो सकती है एक्सप्रेस सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नंबर में होना जरूरी है तभी हम उसे स्टैटिस्टिकल डेटा कह पाएंगे और या तो वो ऑब्जर्व वैल्यू होगी या फिर हमें उसका अनुमान लगाना पड़ेगा एस्टिमेट करना पड़ेगा देन रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो जब हम वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं तो ये ध्यान रखना है उसमें एक्यूरेसी होनी जरूरी है डेटा मस्ट बी एक्यूरेट। अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर वो हमारे काम में नहीं आएगा या उसे हमारा रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकता है गलत हो सकता है देन सिस्टमैटिक मैनर से हमें डेटा कलेक्ट करना है डेटा क्यों कलेक्ट करना है हमारा पर्पस क्या है तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट हर दस साल में क्या करती है सेंसस रिपोर्ट बनाती है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ऑफिशियल्स है वो क्या करते हैं पूरे इंडिया में जितने भी घर है सब में वहां जाके और डेटा उनसे कलेक्ट किया जाता है तो जब तक उन्हें पर्पज का पता नहीं होगा तब तक वो किस तरह से डेटा कलेक्ट करें उन्हें समझ नहीं आएगा लेकिन जैसे उन्हें पता लग गया कि सेंसस रिपोर्ट बनानी है तो अकॉर्डिंगली वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि लाइक आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसमें से मेल और फीमेल्स कितने हैं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड कितने हैं उनकी एज ग्रुप क्या है एंड सो ऑन तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन का आंसर हम उनसे ले लेते हैं so पर्पज पता होना चाहिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर जो डेटा है हम उसे कंपेयर कर सके डेटा कंपेरेबल होना चाहिए तभी हम उसे स्टैटिस्टिकल डेटा मानेंगे नहीं तो नहीं मान सकते जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल पेट्रोल की प्राइसेस राजस्थान एटी वन रूपीज महाराष्ट्र 83 रुपीस, गोवा 75 रुपीस एंड सो ऑन. तो ये सारे क्या हैं फिगर्स हैं, डेटा है बहुत सारे कारणों से अफेक्ट होते हैं सबकी प्राइसेस अलग अलग है और दे आर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर दे आर कंपेरेबल हम उसे कंपेयर कर सकते हैं हम उसे कंपेयर कर सकते हैं सो so, इसे स्टैटिस्टिकल इस डेटा कहा जा सकता है फाइन लेकिन अगर हमें यह बता रखा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इन राजस्थान इज 81 वन रुपीज पर लीटर एंड डिमांड इन राजस्थान ये अगर हम कह दें दैट इज 10 लाख लीटर्स 10 लाख लीटर्स अब ये 81 एंड 10 लाख लीटर ये दोनों ही क्या है नंबर में है बट क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं एक तो प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी क्या ये दोनों कंपेरेबल है नो दीज टू आर नॉट कंपेरेबल तो इसे स्टैटिस्टिकल इस डेटा नहीं कहा जा सकता बिकॉज इन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं किया ठीक है सो दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिकल डेटा दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस प्लुरल सेंस का मतलब किससे है डेटा से है और उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए अब बात आती है सिंगुलर सेंस की तो स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड सिंगुलर सेंस का मतलब किससे है मेथड से है सिंगुलर नाउन में भी डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड जो कि एम्प्लॉय किया है किसके लिए For collecting, एनालाइजिंग and presenting data, and drawing conclusion from that. तो so, सबसे पहले हम डेटा को इकट्ठा करेंगे कलेक्ट करेंगे कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज किया जाता है डिफरेंट पार्टस में हम उसे डिवाइड करते हैं फिर करते क्या है उसका फाइनली प्रेजेंटेशन क्योंकि हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और लास्ट में एक वैलिड कंक्लूजन उसे ड्रॉ कर लिया जाता है सिंगुलर so, सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब किससे है मेथड से है कि हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसे क्या करना है प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने से पहले उसे एनालाइज करना है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है और लास्ट में हम उसे कंक्लूड कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन कैलकुलेट किया जाता है तो ये हो गई दोनों डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस एंड अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस का मतलब डेटा सिंगुलर का मतलब मैथड सेकेंड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा तो न्यूमेरिकल डेटा किस में आएगा प्लूरल सेंस ऑप्शन नंबर बी थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा कौन सा स्टैटिस्टिकल डेटा है ये हमें बताना है फर्स्ट इज राम इज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड नंबर है बट सिंगल नंबर है हम इसको कंपेयर किस करेंगे सो दिस इज द रोंग आंसर सेकेंड हाइट ऑफ राम इज फाइव सिक्स एंड ऑफ शाम इन हरी फाइव थ्री एंड फाइव फोर डेटा है सेम यूनिट है सो so कंपेरेबल भी है तो हम इसे सही मान सकते हैं बट बाकी ऑप्शन भी पहले पढ़ लें हाइट ऑफ राम इज फाइव सिक्स एंड वेट इज नाइन्टी के जी तो हाइट एंड वेट दोनों हमें दे रखा है सो so दोनों के यूनिट अलग है हम कंपेयर नहीं कर सकते एंड डी सेल ऑफ ए वॉज मोर देन बी एंड सी ए की सेल ज्यादा है बी और सी से सो so, हम कंपेरिजन तो कर रहे हैं बट डेटा इज नॉट अवेलेबल न्यूमेरिकल डेटा नहीं है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बी हमारा आंसर करेक्ट है अब बात आती है इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है इसे कहां पर काम में लिया जा सकता है तो ऑलमोस्ट सारी जगहों पर स्टैट्स का यूज किया जाता है ऑलमोस्ट सारी जगह पे का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में ये बहुत यूजफुल है तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे हमें स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प लेनी पड़ती है जैसे पॉपुलेशन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इन सब जगह पे जब हम डेटा निकालते हैं डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तब तो हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी पूरी कंट्री में प्राइस लेवल क्या है महंगाई कितनी है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इमेंसली यूजफुल द सोल्यूशन ऑफ वराइटी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक प्रोडक्शन कंजम्पन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एक्सपेंडिचर पॉवर्टी एटसेट्रा सब जगह पे स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज होता है लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हमें सीपीआई और डब्ल्यू पी आई कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करना है तो ये इकोनॉमिक्स में किस चैप्टर का पार्ट है इन्फ्लेशन का पार्ट है तो ये सी और डब्लू हमें क्या बताता है कि हर मंथ में हर मंथ में कितनी कितनी प्राइसेस राइज हुई है या फिर फॉल हुई है लाइक इंडेक्स नंबर 100 से 105 हो गया तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एन एवरेज बाय 5 परसेंट प्राइसेस 5 परसेंट से राइज हो गई है तो इस तरह से हमें स्टैटिस्टिक्स uh, का यूज करना होता है इकोनॉमिक्स में डेरिवेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड कर कंपाइलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इंक्लूडेड हर किसी फर्म ने इंडिविजुअल में जो भी पैसा अर्न किया है उन सबको ऐड करके और फिर हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो उसमें काफी सारे मैथड्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है कंप्यूट करना फाइन तो फर्स्ट इज इट इज यूज इन इकोनॉमिक्स बाकी डिटेल से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है देन सेकेंड वन इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अब अकाउंटिंग में कहाँ पर काम में आता है तो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट लाइक टाइम सीरीज एनालिसिसन आर इंक्रीजिंगली फाइंडिंग द यूजफुलनेस इन अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग में इसका रोल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है लाइक चैप्टर रेशियो एनालिसिस रेशियो एनालिसिस में हम फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो देन कैपिटल टर्नओवर रेशियो प्रोपर्टी रेशियो एंड सो ऑन तो वो रेशियो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं देन करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो तो ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है तो इन सब में स्टैट्स का यूज होता है देन ऑडिटिंग क्या होता है ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग किसकी चेकिंग करना चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग बुक्स को चेक करना उसे कहा जाता है ऑडिटिंग अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा मेन रोल क्या होता है हमारा मेन काम क्या है तो हमारा मेन वर्क है ऑडिटिंग कि जो हमारे क्लाइंट्स होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज फर्म्स हैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना वेरीफाई करना कि उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो कितना सही रिकॉर्ड किया है अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो हमें उन्हें बतानी है रिफ्लेक्ट करनी है ताकि उसे रेक्टिफाई किया जा सके तो ऐसे केस में जो कंपनीज काफी बड़ी है उसमें लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्या सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर पाना पॉसिबल है क्या सारे ट्रांजेक्शन को हम चेक कर पाएंगे नहीं तो जब सारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है सैंपल लेना पड़ता है कि लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन हमने सेलेक्ट किए और उसको अच्छे से चेक कर लिया अब अगर सैंपल में एरर मिलती है तो हमें आगे और चेकिंग करनी पड़ेगी लेकिन अगर सैंपल में एरर नहीं मिलती है तो तो हम ये मान लेंगे कि बाकी एंट्रीज में भी कोई एरर नहीं है बाकी जगह भी एरर नहीं है तो सैंपलिंग एक का काफी इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें हेल्प करता है ऑडिटिंग में तो सैंपलिंग टेस्ट आर मोस्ट यूजफुल इन ऑडिटिंग फॉर द ऑडिट टेस्ट ईडीपी ऑडिट इज इंक्रीजिंगली गेटिंग रिकग्निशन वेर इन रैंडम नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड सैंपलिंग आर एक्सटेंसिवली Used. तो आज के जमाने में जो कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है तो उसकी ऑडिट करने के लिए सैम्पलिंग का यूज बहुत जरूरी हो चुका है थर्ड वन इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो हमारी सिचुएशन है लाइक पास ट्रेंड क्या है कि हमारा ग्राफ पॉजिटिव है सेल्स बढ़ रही है या सेल्स डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं सो एस्टिमेशन ऑफ डिमांड चाहे वो डिमांड का एस्टिमेशन हो ट्रेंड को कैलकुलेट करना है या सीजनल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन

तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है एसक्यू सी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इसे यूज़ किया जाता है तो एसक्यू सी इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो किससे डील करती है विद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो गुड्स हमने बनाए हैं उसकी क्वालिटी कैसी है उसका स्टैंडर्ड कैसा है तो जो आई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स फ्रेम आउट हुए हैं तो ये क्या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको फॉलो कर पा रहा है या नहीं अगर वो प्रोडक्ट उसे फॉलो करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर उसे फॉलो नहीं कर पाया तो उस आइटम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा सो आई एस ओ हैज स्टिपुलेटेड सर्टेन स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू गेट आई एसओ नाइन थाउजेंड सर्टिफाइड आई एस 9000 एक सर्टिफिकेट है जो आई के द्वारा इशू किया जाता है एंड दस फर्दर इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो इन शॉर्ट जो भी मापदंड जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं वो कितने फॉलो हुए हैं ये हमें किसकी हेल्प से पता लगेगा एस क्यू सी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी स्ट्रेटेजी फ्रेम करनी होती है जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने के लिए लाइक पॉवर्टी पॉवर्टी का ट्रेंड क्या रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है तो ये सब पहले गवर्नमेंट पता लगाती है और इसके अंदर ऑफकोर्स काम में आते हैं स्टेटिस्टिकल चैप्टर्स सो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फ्रेमड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट डेटा एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डेटा तो ऑलमोस्ट हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या है वेरिएबल का मतलब है एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। तो उसे वेरिएबल कहा जाएगा ऐसी कोई भी चीज जिसे नंबर में लिखा जा सकता है दैट इज वेरिएबल जिसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मार्क्स वेट हाइट प्रॉफिट सेल्स परचेज एटसेट्रा तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके वेरिएबल के तो ऐसी कोई भी चीज जिसे नंबर में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कह देंगे वेरिएबल और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी हिंदी में कहें तो गुण विशेषता कैरेक्टरिस्टिक तो एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी इंटेलिजेंसी ब्यूटी ये सब क्या है एट्रीब्यूट्स है फाइन सो नॉर्मली देर आर फैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप फैक्ट्स दो तरह के होते हैं फर्स्ट टाइप कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली विच इज हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा वही जो हमने डिस्कस किया है लिखा गया है सेकेंड टाइप ऑफ फैक्ट विच के नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली जिसको नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता बट ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्टिस्टिक तो है बट उसे नंबर में नहीं लिख सकते उसका डिस्क्रिप्शन जरूर दिया जा सकता है सो दे कैन बी कलेक्टेड लाइक प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ब्यूटी ब्लाइंडनेस ऑनेस्टी एटसेट्रा ये सब किसके एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट के first type of facts are known as statistics of variable and second type is known as statistics of attributes x variable or dusra attribute question number 6 an attribute is attribute kya hai it is a qualitative characteristic option number a 7 marks of a student नंबर है, सो इट इज अ वेरिएबल. लेकिन वेरिएबल में हमारे पास अब दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करना है दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है जहां पे एक सर्टेन लिमिट फिक्स है जहां एक लिमिट फिक्स है तो वहां पे उसे कहा जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल और जहां कोई फिक्स लिमिट नहीं है उसे कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल जैसे मार्क्स अगर हमने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया है तो किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ सकते हैं 30, 40, 50, 50 के हमारी मैक्सिमम लिमिट है उससे ज्यादा नहीं आ सकते 50 हमारी मैक्सिमम लिमिट है तो उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते बट सैलरी सैलरी कितनी हो सकती है किसी पर्सन की 10,000, 25,000, 50, 1 लाख 2 लाख कितनी भी हो सकती है यहाँ कोई फिक्स लिमिट नहीं है कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि सैलरी इतनी ही होगी तो सैलरी क्या है कंटिन्यूस वेरिएबल जबकि मार्क्स क्या है मार्क्स हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल मार्क्स इज डिस्क्रीट वेरिएबल सिमिलरली वेजेस कंटिन्यूस वेरिएबल एंड सो ऑन सो मार्क्स को हम क्या कहेंगे इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल एट्थ नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट किसी विद्यार्थी की राष्ट्रीयता नेशनैलिटी तो इट इज सिंपली अरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट नाइन ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन दिस इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट एज ऑफ अ पर्सन किसी पर्सन की एज दो ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल क्या कोई फिक्स लिमिट है ट्वेंटी ईयर्स थर्टी ईयर्स सिक्सटी सेवेंटी कोई फिक्स लिमिट है नो सो इट इज कंटिन्यूस वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न वेद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन किस से कंसर्न है दोनों से ही है तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड अब आता है स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है डेटा जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते लाइक like हमें मेन कैलकुलेट करना है बट डेटा ही नहीं है तो हम मेन कैसे कैलकुलेट करेंगे सो so, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा होना जरूरी है सो डेटा का मतलब क्या है डेटा कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उसे कहा जाएगा डेटा अब डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा अब प्राइमरी क्या होता है डेटा कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज जब हमने डेटा किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कलेक्ट किया है तो उसे कहा जाएगा प्राइमरी डेटा द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज और बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सेकेंडरी डेटा फॉर द स्पेसिफिक पर्पज यानी कि कोई डेटा ऑलरेडी पहले कैलकुलेट हो चुका है कहीं पे पब्लिश हो चुका है और हम उसे यूज कर रहे हैं हमारे हिसाब से तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी डेटा ठीक है सो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सेकेंडरी डेटा फॉर द स्पेसिफिक पर्पज अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस गिवन है क्या डिफरेंस है प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है वेर इज सेकेंडरी डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कंपाइल किया जाता है सो दैट इज द सेकेंडरी डेटा या कहते हैं विच इज द ऑलरेडी पब्लिश डेटा वो डेटा कहीं ना कहीं पहले पब्लिश हो चुका है प्रिंट हो चुका है देन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इनवॉल्व यूज रिसोर्सिस इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर रिसोर्सिस ज्यादा लगते हैं चाहे वो मनी की टर्म्स में हैं या टाइम फाइनेंस एनर्जी कुछ भी कहें कि हमें मेहनत ज्यादा लगती है पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है तो इट रिक्वायर्स टाइम लेकिन सेकेंडरी डेटा इज़ रिलेटिवली लेस कॉस्टली सेकेंडरी में इतना पैसा खर्च नहीं होता तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेस्ट एग्जाम्पल इज सेंसस रिपोर्ट जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेंसस रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट कौन बनाता है सेंसस रिपोर्ट इज प्रिपेर बाय गवर्नमेंट कब बनाते हैं सेंसस रिपोर्ट तो इंडिया में ये हर 10 साल में इन एवरी 10 इयर्स हर 10 साल में ये सेंसस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है लाइक like जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट इज ऑफ 2011 उससे पहले वाली 2001 थाउजेंड देन नाइनटीन एंड सो ऑन तो हर 10 साल में गवर्नमेंट क्या करती है हर घर घर जाके डेटा कलेक्ट करती है तभी तो हमें पता लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है कितने लोग एम्प्लॉयड है कितनी पॉवर्टी है कितने मेल्स और कितने फीमेल है क्या लिटरेसी रेशियो है तो ये सारी चीजें तभी पता लग सकती है जब हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक एक घर में जाके ये काम करते हैं सो दिस डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर तो जो गवर्नमेंट ये डेटा कलेक्ट करवा रही है इसे कहा जाता है प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा और सारा डेटा कलेक्ट होने के बाद में उसको कंक्लूड करके समराइज करके पब्लिश कर दिया जाता है अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस पब्लिश डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करती है अपने अकॉर्डिंग तो उसे क्या कहा जाएगा सेकेंडरी डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है सेकेंडरी डेटा क्योंकि डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है हम सिर्फ उसे यूज कर रहे हैं फाइन तो ये सारा जो डेटा कलेक्ट हम कर रहे हैं इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम मनी एफर्ट्स एटसेट्रा देन थर्ड वन प्राइमरी डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड बाय कीपिंग इन माइंड द पर्पस फॉर विच इट इज कलेक्टेड कि हमने किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया है ये माइंड में रखा जाता है ताकि उसकी जो सुटेबिलिटी है वो ज्यादा हो सके बट सेकेंडरी डेटा मे और मे नॉट सुट दर्पज एग्जैक्टली तो सेकेंडरी डेटा के लिए सेकेंडरी डेटा हमारे एज इट इज काम में आ जाए इसके चांसेस कम होते हैं सो प्राइमरी डेटा में भी यूज एज इट इज इसे एज इट इज काम में लिया जा सकता है बट सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर तो इसमें हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ सकती है क्योंकि हमको हमारे अकॉर्डिंग डेटा को मॉडिफाई या चेंज करना पड़ सकता है तो ये हो गए फोर डिफरेंसेस। पहला क्या था प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर वेर एयर सेकेंडरी इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा देन सेकेंड प्राइमरी डेटा इनवॉल्व यूज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज मनी फाइनेंस टाइम एफर्ट एक्सेट्रा बट सेकेंडरी डेटा रिक्वायर लेस रिसोर्सेस इट इज लेस कॉस्टली थर्ड वन प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द परपज सो दैट इट कैन बेस्ट सूट आर पर्पज तो प्राइमरी डेटा को हमारे पर्पज के अकॉर्डिंग हमारे पर्पज के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है लेकिन सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा में वो जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो एज इट इस काम में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन प्राइमरी डेटा क्या होता है वो एज इट इस यूज में लिया जा सकता है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे सो डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट रिपोर्ट बनाई नहीं है रिपोर्ट से डेटा लिया है सो दिस इज द सेकेंडरी डेटा थर्टीन डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद द मेजरिंग टेप तो मेजरिंग टेप से हमने एक एक चीज मेजर की है सो डेटा इज ओरिजिनल इसे कहा जाएगा प्राइमरी डेटा अब आता है प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे कलेक्ट करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। हम इंटरव्यू की हेल्प से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सेकंड इज मेल क्वेश्चनरी एंड थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे पर्सनल इंटरव्यू देन इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू पर्सनल इनडायरेक्ट एंड टेलीफोनिक ये तीन इंटरव्यू के मेथड्स हो गए सबसे पहले पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल के अंदर क्या होता है द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पॉन्डेंट्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन एंड देर फ्रॉम देम लाइक न्यूज रिपोर्टर अब अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है या मान लें कोई नेचुरल कैलामिटी के केस में फ्लड आ गया भूकंप आ गया अर्थक्विक अब अर्थक्विक जैसी हो गया तो एक बार सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है किसी भी एरिया में लाइक बिल्डिंग्स वगैरह घिर गई है और ऑन so तो न्यूज रिपोर्टर वहां पे पहुंच जाते हैं और न्यूज रिपोर्टर वहां जाके क्या करते हैं जो भी लोग वहां अवेलेबल है उनसे इंटरव्यू लिया जाता है और वो कई सारे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले पूछते हैं हां जी बताइए आपका नाम क्या है जब भूकंप आया था तब आप कहां पे थे आपको कैसा महसूस हुआ Then, आपके पड़ोसी कहाँ हैं आपके फैमिली मेंबर्स सब सेफ है कि नहीं तो इस तरह के काफी सारे वन टू वन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामने वाला पर्सन उसका बराबर से जवाब देता है रिप्लाई देता है so, तो दिस इज डायरेक्ट या पर्सनल इंटरव्यू मेथड तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और रेस्पोंडेंट उसका आंसर देता है केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक सुपर साइक्लोन अर्थक्वेक और एपिडेमिक लाइक प्लेग सोनामी वी मे कलेक्ट द नेसेसरी डेटा मच मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली बाय अप्लाई दिस मेथड। तो ये मेथड काम में लेने से डेटा जल्दी हमारे पास आ सकता है देन इसमें हमारे पास फायदा क्या है कि जो तो रेस्पोंडेंट है वो कितना सच बोल रहा है या कितना झूठ बता रहा है ये हमें उसके फेस रीडिंग को देख के एक्सप्रेशन को देख के या आंसर देने के तरीके से पता लग जाता है हम उसकी फेस रीडिंग कर सकते हैं आंसर देने के तरीके से समझ सकते हैं कि सामने वाला कितना परसेंट झूठ बोल रहा है या सच है पर्सनल so इंटरव्यू अब आता है कौन सा इनडायरेक्ट इंटरव्यू इफ देर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ंग द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली अगर रेस्पोंडेंट तक पहुंचने में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जैसे इन द केस ऑफ रेल एक्सीडेंट अब रेल एक्सीडेंट नॉर्मली कहा होता है क्या वो प्लेटफॉर्म पे होगा नहीं वो कहा होता है ऑफ रूट में किसी दूर एरिया में तो जहां पे आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल है और कोई नहीं ट्रेन ट्रेन में कुछ लोग और आसपास घर जंगल क्योंकि वो सिटी एरिया में नॉर्मली नहीं होता सिटी एरिया में स्पीड स्लो रहती है तो इसके लिए चांसेस नहीं होते सो so, ये किसी रिमोट एरिया में होता है और जब एक्सीडेंट होता है तो बाकी सब लोग दूर है न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह सब दूर है तो हाथों हाथ वहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं वहां जो लोग अवेलेबल है उनसे किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं और फिर हम उनसे लाइक फोन पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं या और किसी तरीके से पता लगाते हैं सो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू तो जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं बट कोई और पर्सन वहां पे अवेलेबल है तो उसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करते हैं सो देन वी मे टेक रिकोर्स टू कंडक्टिंग इनडायरेक्ट इंटरव्यू वेयर इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन Associated with the problem, तो जिन person के साथ में वो घटना हुई है उन लोगों से हम ये किसी ना किसी तरीके से डेटा लेने की कोशिश करते हैं ठीक है तो example क्या हो गया इसका rail accident. Third one is telephone interview method. Telephonic method बड़ा क्विक है बहुत तेज है हमें किसी से भी इंफॉर्मेशन लेनी है सीधा नंबर डायल किया और हम सीधा फोन पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर फर्स्ट मेथड की हम बात करें इंटरव्यू के अंदर तो उसमें हमें सामने वाले के पास जाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है लेकिन या तो हमें सिर्फ फोन करना है और हमारे पास डेटा आ जाएगा सो इट इज क्विक एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा वेर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बा रिसर्चर हिमसेल्व बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन सीधा हमने फोन पे डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो इंटरव्यू है रेस्पोंडेंट है वो झूठ ज्यादा बोल सकता है क्योंकि हम उसके सामने अवेलेबल नहीं है तो उसमें फॉल्स स्टेटमेंट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्लियर लाइक कई बार हमारे घर पे फोन आता है बैंक से और बैंक वाले क्या करते हैं अपने लोन के लिए फोन करते हैं तो लाइक like, बैंक से फोन आया आपके पास में और आपसे पूछा गया क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपने एक बार इंटरेस्ट दिखा दिया अब बैंक वाले ने आपसे पूछा कि ठीक है बताइए आपका प्रोफेशन आपका बिजनेस क्या है तो आपने ये भी कह दिया कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अब सीए का नाम सुनते ही बैंक वाला बड़ा खुश हो गया कि सीए है फिर तो लोन ले ही लेगा अब बैंक वाला इंटरेस्टेड हो गया अब उसने आपके साथ में एक मीटिंग फिक्स कर ली सब कुछ फिक्स कर लिया और जिस दिन मीटिंग का डेट था प्लेस था वहां पहुंचे ही नहीं तो क्या हुआ कि जो हमारे फोन पे सारी बातचीत हुई वो सब बेकार चली गई जो हमारे स्टेटमेंट्स थे वो सारे गलत थे तो बैंक वाले का वो टाइम वेस्ट हो गया या फिर फोन के ही हमने सारी कर ली और लास्ट में अप्रैल फुल।, फुल कह दिया तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो हमारे आंसर्स है वो सही नहीं मिल पाते हैं टेलीफोन पे हमेशा ऐसा नहीं होता है बट इसके चांसेस बाकी दोनों मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहते हैं तो इन तीनों मेथड में कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सो द फर्स्ट टू मेथड्स दो मोर एक्यूरेट, दोनों ज्यादा एक्यूरेट होंगे आर इन एप्लीकेबल फॉर कवरिंग लार्ज एरिया लेकिन जब लार्ज एरिया कवर करना होता है तो हम हर जगह अगर जाएंगे इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो ऐसे केस में हमें फोन पे ही काम चलाना पड़ेगा वेर एस्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू दो consistent has a wide coverage. इतना consistent या accurate तो नहीं है लेकिन coverage ज्यादा होगा Amount of non-responses is maximum in this method of data collection. और phone के ऊपर non-responses भी काफी आते हैं क्या लाए कहीं बार क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है कभी किसी दूसरे ऑफर के लिए फोन आता है तो वो ऑफर सुनते ही हम सीधा फोन कट कर देते हैं तो हम अपना डेटा उनसे शेयर नहीं करते तो इस तरह के नॉन रेस्पॉन्स काफी सारे होते हैं टेलीफोन पे तो दिस वॉज आर फर्स्ट मैथड दैट इज इंटरव्यू मैथड अब आते हैं सेकेंड मैथड पे दैट इज मेल्ड क्वेश्चनरी मेल्ड क्वेश्चनरी अब कंपनीज का एक बड़ा अच्छा तरीका है डेटा कलेक्ट करने का तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कंपनीज को डेटा कलेक्ट करना है तो वो क्या करते एक लेटर पे पोस्ट कार्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख करके वन टू थ्री एंड सो ऑन कुछ क्वेश्चंस लिख के पोस्ट कर देते किसको अपने कस्टमर्स को ठीक है अब कस्टमर को क्या करना है उनका रिप्लाई देना है जवाब देना है अब कस्टमर को सबसे पहले तो आंसर लिखने हैं फिर जाके वो वापस स्टैम्प खरीद के लाए उसके ऊपर पेस्ट करें अपना खुद का खर्चा करें और फिर उसे पोस्ट करें तो खुद के घर से कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं करने वाला तो कंपनी को रिस्पॉन्स नहीं मिले कंपनी ने तो पोस्ट कार्ड भेजा कि लोग रिप्लाई करेंगे बट लोग अपनी पॉकेट से स्टैम्प टू परचेज करें तो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा थे अब कंपनी ने क्या किया अब कंपनी ने फिर से पोस्ट कार्ड भेजा पोस्ट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखे और साथ में एक स्टैंप भी दे दिया साथ में स्टैम्प भी दे दिया कि ताकि लोग को अपना खुद का स्टैम्प नहीं परचेज करना पड़े अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे तो अब आपको पता है इंडियन पॉपुलेशन कि हमारा खुराफाती दिमाग कैसा है तो हम लोगों ने क्या किया इस स्टैम्प को हमारे पर्सनल यूज में ले लिया हमारे पर्सनल यूज में काम में ले लिया तो फिर से उनके पास रिस्पॉन्सेस नहीं गए अब उन्होंने क्या किया इस बार फिर से क्वेश्चन लिख के उन्होंने भेजा उसके ऊपर अपना एड्रेस प्रिंट करा दिया अपना फिक्स एड्रेस और एक फिक्स स्टैम्प ताकि इसे किसी और जगह पे काम में नहीं लिया जा सके तो इस केस में थोड़े बहुत रिस्पॉन्सेज आ गए बट फिर भी हम लोग पहले आंसर लिखें फिर जाके पोस्ट बॉक्स में डालें इतनी भी मेहनत काफी लोग नहीं करते हैं तो कुल मिला के तीनों केसेस में रिस्पॉन्स कम मिले और आज के जमाने में पोस्ट कार्ड आते हैं क्या नहीं आज के जमाने में पोस्ट कार्ड नहीं आते तो क्या आती है अगर हमारा मेल बॉक्स चेक करें तो उसमें बहुत सारे ई मेल्स आते हैं कई बार एक ई मेल ऐसा आता है कि जो आपको बता रहा है कि आपको आईफोन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आईफोन फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ही हम ऐसा ईमेल देखते हैं तो सीधा उस पर क्लिक करेंगे कि सिर्फ मुझे ही फ्री क्यों मिल रहा है तो उसमें लिखा आएगा इफ यू आर अ लकी विनर अगर आप लकी विनर रहे तो आपको मिलेगा तो अब हम लोग क्या सोचेंगे चलो अपना लक ट्राई कर लेते हैं क्या पता शायद मिल जाए अब हमारा लक कैसे काम करेगा उसके लिए हमें करना क्या है तो उसके लिए वहां पर कुछ क्वेश्चनरी आ जाती है तो जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और आपसे कुछ वन बाय वन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमको उसके आंसर देने हैं जैसे आंसर अपने दे दिए पेज वापस क्लोज अब वापस उसका रिप्लाई कभी आता ही नहीं है कि आप वो लकी विनर थे या नहीं थे उस कंपनी को अपने आंसर्स मिल गए और काम खत्म तो इस तरह के कई बार ईमेल्स आते हैं और ईमेल्स में वो इस तरह की हमें फ्री गिफ्ट्स देने की बात करते हैं तभी हम उसका रिप्लाई करते हैं अगर वो इस तरह का नहीं हो तो हम रिप्लाई नहीं करते लेकिन एक बार हमने ऐसा किया दो बार ऐसा किया जब अगली बार फिर मेल आएगा तब हम थोड़े ना रिप्लाई करेंगे दैट मीन्स ई मेल के अंदर नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नॉन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं इन दिस मैथड तो चलिए पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है इट कॉम्प्राइजेज अ फ्रेमिंग वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस क्वेश्चनरी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमें क्वेश्चन पूछने हैं तो बराबर अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके हम क्वेश्चन भेज सकते हैं तो सेंडिंग दैम द रेस्पोंडेंट्स एंड प्री पेड स्टैम्प आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चनरी तो किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है वो सारी गाइडलाइंस साथ में लिखी रहती है वाइड एरिया कैन बी कवर्ड तो इसका फायदा क्या है सबसे ज्यादा एरिया कवर हो सकता है ईमेल करना है दुनिया के किसी कोने में किसी भी कंट्री में हम विद इन सेकेंड्स ई मेल पहुंचा सकते हैं सो so, ये बड़ा फास्ट तरीका है वाइड एरिया हम कवर कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ईमेल पहुंचाना तो फास्ट है लेकिन क्या रिप्लाई आ जाएगा हाथों हाथ नहीं जब सामने वाला ईमेल देखेगा तब रिप्लाई आएगा और एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हम कोई हाथों हाथ ई मेल चेक करते नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं दिनों तक कहीं महीनों तक अपना ई बॉक्स चेक नहीं करते हैं तो इस केस में नॉन रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो बेनिफिट तो क्या है वाइड एरिया इज कवर्ड बट द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन दिस मैथड नॉन रेस्पॉन्स कहीं ज्यादा होते हैं नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मैथड अब यहां क्या करना है डेटा आर कलेक्टेड इन केस ऑफ ऑबटेनिंग द डेटा ऑन द हाइट वेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मैथड और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कि कि हमें किसी एरिया में सर्वे करना है कि वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है वहां की पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है ये हमें चेक करना है तो हम क्या कर रहे हैं हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके वहां पे पहुंच गए हम उनका एक एक करके ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं देन ब्लड ग्रुप कौन सा है हाइट और वेट कितनी है तो ये सारी चीजें हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज द ओरिजिनल डेटा इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड तो सारा डेटा हमने खुद कलेक्ट किया है हमने पूछा नहीं है पूछना है तो वो इंटरव्यू मेथड है ठीक है हमने मेल भी नहीं किया है मेल क्वेश्चन भी नहीं है हमने खुद ने डेटा कलेक्ट किया है तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड सो ऑल दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड डेटा कलेक्शन डेटा को कलेक्ट करने का बेस्ट मेथड बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें रिजल्ट हमारा एक्यूरेट होगा बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग स्मॉल एरिया यहां पर एरिया बहुत कम कवर होता है मेहनत और टाइम दोनों ज्यादा लग जाते हैं ठीक है so, सो हर मेथड के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं अब आता है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है सो so, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो so, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर से डेटा ले सकते हैं मैगजीन से काफी सारी वेबसाइट्स हैं वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो so, कहीं भी डेटा पब्लिश हुआ है वहां से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है सो फर्स्ट वन इज नोन एज इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देन इसी तरह से आई एल ओ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक तो ये सारी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा कलेक्ट करके रखती है गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सोन तो इंडिया में भी ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डेटा कलेक्ट करके पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट्स पे तो वहां से हम डेटा ले सकते हैं प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस और लास्ट में है अनपब्लिस्ड सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनका काम क्या है सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना उनका काम ही क्या है डेटा को कलेक्ट करना और वो डेटा को कलेक्ट करके अपने पास में रख लेते हैं उसे पब्लिश नहीं करते तो वो लोग तो क्या करते हैं उस डेटा को सेल करते हैं सिंपली उस डेटा को सेल किया जाता है उसे पब्लिश नहीं करते हैं तो कोई भी उनके पास में जाता है तो वहां से डेटा परचेज कर सकते हैं सो so, पहला हो गया इंटरनेशनल सोर्सेज सेकेंड गवर्नमेंट सोर्सेज थर्ड प्राइवेट एंड क्सी गवर्मेंट क्वासी मीन सेमी गवर्नमेंट पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली गवर्नमेंट एंड लास्ट वन इज अनप्लिश सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टिट्यूट नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय कैसे कलेक्ट होता है प्राइमरी डेटा डिफरेंट मैथड है इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनरी आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स वाइडेस्ट एरिया सबसे ज्यादा एरिया मेल्ड क्वेश्चनरी मैथड अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज इज मैक्सिम इन कहाँ कहा रिप्लाय नहीं आता या बहुत कम आता है मेल्ड क्वेश्चनरी सेवेंटीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस देन एटीन क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा फास्ट मेथड कौन सा है सो फास्ट मेथड इज पर्सनल इनडायरेक्ट या टेलीफोनिक टेलीफोनिक इंटरव्यू क्योंकि रिप्लाई हमें हाथों हाथ मिल जाता है देन बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी तो नेचुरल कैलामिटी में कौन सा बेस्ट तरीका है पर्सनल इनडायरेक्ट क्वेश्चनरी या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो हम आंसर कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट रेल एक्सीडेंट के केस में अप्रोप्रिएट मेथड बेस्ट मेथड कौन सा है क्योंकि ऑफ लोकेशन पे है तो उसमें हम कहेंगे इनडायरेक्ट in इंटरव्यू ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है सो देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट वन इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ पैराग्राफ की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड वन इज नोन एज टेबलर प्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है एंड थर्ड वन इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम डायग्राम की तरफ भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे? टैक्सुअल प्रेजेंटेशन पे दिस मेथड्स कंप्राइज प्रेजेंटिंग डेटा विद हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स या तो एक पैराग्राफ हो सकता है या एक से ज्यादा पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन इज यूजली मेड बाय टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन सो फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अब जैसे कोई भी हमें ऑफिशियल रिपोर्ट बनानी है ठीक है या फिर आ, किसी को जैसे हमने ऑडिट की है किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने चेक की है तो हम क्या सिर्फ ट्रेडिंग पी एल और बैलेंस शीट बना के देंगे नहीं हमें पूरी रिपोर्ट बनानी है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ कि हमने सबसे पहले इस फॉर्म में ये चेक किया फिर हमारे ऑब्जर्वेशंस ये ये थे और इस तरीके से हमने उसमें करेक्शन करवाया है तो हमें पूरी रिपोर्ट स्टार्टिंग टू तो एंड देनी है सो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन अब एक पैराग्राफ क्या दिया है इन 99 आउट ऑफ टोटल ऑफ 5000 वर्कर्स ऑफ रॉय एनिमल फैक्ट्री फोर थाउजेंड एंड टू हंड्रेड वर में फाइव थाउजेंड में से फोर थाउजेंड टू हंड्रेड क्या है ट्रेड यूनियन के मेंबर है द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वॉज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल वर्कर जितने वर्कर थे उसका ट्वेंटी परसेंट क्या है फीमेल्स आउट ऑफ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और उसमें थर्टी परसेंट ट्रेड यूनियन के मेंबर है तो इस तरीके से हम पैराग्राफ फॉर्म में डिटेल दे सकते हैं लेकिन अब इस पैराग्राफ फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है अगर हम इस डेटा को इंटरप्रिट करने की कोशिश करेंगे कि फाइव में से फोर्टी मेंबर है फीमेल्स इतनी हैं उसमें से इतने मेंबर है तो हम इसको कैलकुलेट थोड़ा सा डिफिकल्ट से करेंगे कि लाइक मेल मेंबर्स कितने हैं और फीमेल मेंबर कितने हैं तो ये इस पैराग्राफ से क्लियरली आईडेंटिफाई नहीं हो रहा है लेकिन अगर सेम चीज हम एक टेबल में लिखें मेल्स फीमेल्स मेंबर्स नॉन मेंबर्स तो उसको देखते ही हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि इतने मेंबर है और इतने नहीं है बट इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं लग पाता है सो मेरिट ऑफ ऑफ दिस मोड प्रेजेंटेशन लाइज इन कि मेथड बड़ा सिंपल है हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टेबल नहीं बनानी है इसमें द ऑब्जर्वेशन विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्चुअल प्रेजेंटेशन यानी कि साथ में कुछ और बातें हमें लिखनी है डेटा के अलावा तो वो सब कुछ इसमें इंसर्ट किया जा सकता है Furthermore, this type of presentation can be taken as first step towards other method of presentation. कि लाइक हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए पहले एक बार हमें सिचुएशन को डिफाइन करना होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है तभी हम टेबुलेशन कर पाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है टैक्सुअल प्रेजेंटेशन हवेवर इज नॉट प्रेफर्ड बाय दिन सिंपली बिकॉज इट इज डल कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं फॉर मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन दिस मैथड कैनॉट बी यूज यानी कि जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है जिनको हमें कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ में तब ये मैथड बिल्कुल भी कम का नहीं है फाइन सेकेंड मैथड सेकेंड इज टेबुलर प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स तो दिस इज द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करना तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा रोज एंड कॉलम अकॉर्डिंग टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो भी हम टेबल बनाएंगे उसमें क्या होगी रोज एंड कॉलम्स तो इस तरह से पूरी हमें एक टेबल बनानी है तो ऊपर हम कुछ हेडिंग लिख देंगे कॉलम हेडिंग और साइड में रो हेडिंग और बीच में बॉक्सेस में आ जाएंगे सारे फिगर्स दिस इज टेबुलर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो so, है? Diagrams को माना जाता है सबसे अट्रैक्टिव तरीका डेटा को present करने का सबसे attractive तरीका कौन सा है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लेकिन अगर accuracy की बात की जाए तो उसके अंदर कहा जाएगा कौन सा मेथड सो मैथडेशन में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है हम तो तो फिगर तो फिगर कंपेयर कर सकते हैं टोटल को चेक कर सकते हैं तो एक्यूरेसी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ टेबुलेशन बट सबसे अट्रैक्टिव तरीका डायग्राम हम बना रहे हैं, ग्राफ्स पिक्चर्स तो वो सबसे अट्रैक्टिव तरीका है तो वो रीडर को अट्रैक्ट करता है सो द अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन इज बाय चार्ट्स, डायग्राम पिक्चर्स एटसेट्रा ट्वेंटी फर्स्ट द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन सा है

ऑप्शन नंबर सी फाइन तो ये हो गया हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अब आते हैं चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे विच इज क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन अब ये पार्ट जो है इसमें ज्यादा हमें याद करने का कुछ नहीं है बस एक बार हमें फास्ट बीक लगा लेना है ताकि इसके सारे पॉइंट्स हमारे ध्यान में आ जाए क्लासिफिकेशन so, क्या होता है इसको पढ़ते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग और ब्रिंगिंग टूगेदर ऑल द एन्यूमरेटेड आइटम्स अंडर सेपरेट हेड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर्जेस्ड बाय देम तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं जो भी डेटा हमारे पास है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं दिस इज सिंपली नोन एज क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ अरेन्जिंग और ब्रिंगिंग टूगेदर ऑल द एन्यूमरेटेड आइटम्स अंडर सेपरेट हेड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दम लाइक एग्जाम्पल जो हमें यहां गिवेन है अगर एक किसी क्लास का एग्जाम लिया गया है और उसमें कुछ स्टूडेंट ने फर्स्ट डिविजन स्कोर किया उसने सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सप्लीमेंट्री एंड फेल तो हम स्टूडेंट को यहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक सिक्सटी स्टूडेंट है फर्स्ट डिवीजन में देन टेन सेकेंड डिवीजन में थ्री स्टूडेंट सेकेंड थर्ड डिवीजन में सप्लीमेंट्री इज टू एंड फेल इज वन तो हम स्टूडेंट को इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं सो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन अब क्लासीफ कैसे किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव पर्पस एम एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है क्लासिफिकेशन कंडेंसेस डेटा एंड तो अन क्लासिफिकेशन है ये चाय की छलनी की तरह है जो क्या करता है जो काम की चीज है उसे आगे कप में डाल देता है और जो इररेलेवेंट है जो यूजेबल नहीं है उसे हटा देता है इग्नोर कर देता है तो क्लासिफिकेशन काम बिल्कुल चाय की छलनी की तरह है जो डेटा को कंडेंस करता है काम का डेटा नहीं है उसे हटा देंगे रेलिवेंट है उसे रख लेंगे सेकेंड इट फैसिलिटेट्स कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं लाइक like अभी जैसे हमने किया फर्स्ट डिविजन में कितने स्टूडेंट्स हैं सेकेंड में कितने हैं और थर्ड में कितने हैं सो इट मेक्स कंपेरिजन पॉसिबल इट हेल्प इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब जो अलग अलग फीचर्स हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है ये हमें पता लग सकता है इट फैसिलिटेट्स फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जैसे हमें अगर मीन कैलकुलेट करना है मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा डेटा को क्लासिफाई करना है डेटा को अरेंज करना पड़ेगा लाइक एक्स एंड फिर एफ फ्रीक्वेंसी जब तक हम उसे अरेंज नहीं करेंगे तब तक आगे मीन मीडियन या कुछ और कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन टेबुलेशन ऑफ डेटा तो क्लासिफिकेशन सिर्फ डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता है लेकिन उसको एक टेबल में अरेंज करना है हमें तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टेबुलेशन तो टेबुलेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है तो टेबुलेशन करने से पहले हमें क्लासिफिकेशन करना होता है अब क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है वो रूल्स क्या क्या है ये देखते हैं पहला रूल ये कहता है द क्लासेस शुड बी अनएम्बिग्यूसली डिफाइंड यानी कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्लास इंटरवल जैसा भी है उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमने क्लास इंटरवल बनाया जीरो टू टेन 5 टू 15, 10 टू 20, 25 to टू then 20 देन 40. टू मर्जी है वैसे क्लास इंटरवल हम बना रहे हैं एक डेटा दो दो क्लासेस में आने जैसा हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो गया दिस इज नॉट डिफाइंड लाइक यहां पे जो है डेटा सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे सो क्लासेस शुड बी अनएम्बिगसली डिफाइंड

टेन पॉइंट टू सेवन टू ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी टू सेवन इस तरीके से हमें नहीं करना है तो क्लास इंटरवल सिंपल होनी चाहिए द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज क्लास इंटरवल ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम कि जैसे हमने क्लास टेस्ट लिया 100 मार्क्स का और क्लास इंटरवल बना दी 0 टू 50 एंड 50 टू 100 खत्म दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 0 टू 50 50 टू 100 तो इतना छोटा इंटरवल भी हमें नहीं बनाना है या इतना बड़ा इंटरवल हमें नहीं बनाना है और अगर हमने बना दिया जीरो टू 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 फोर फोर टू सिक्स एंड सो ऑन लास्ट चलेगा 98 एट टू हंड्रेड तो इतने सारे क्लास इंटरवल भी हमें नहीं बनाने हैं तो क्लास वे ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम इसे प्रॉपर साइज में लेना चाहिए सो नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज देन क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव क्लासेस एग्जॉस्टिव होनी चाहिए एग्जॉस्टिव का मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जितने भी इंटरवल है उसमें सारा डेटा आ जाना चाहिए कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए सारा डेटा हमें इंक्लूड करना है कुछ भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए सो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन मस्ट गेट क्लासिफाइड इन टू क्लास। एंड फिफ्थ पॉइंट है क्लास वेर्थ शुड बी डिटर्मिंड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड। कि हमें कितनी क्लास इंटरवल बनानी है उसे कंसिडर करके हमें क्लास विथ सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है फॉर्मूला क्या है वो देखें। क्लास विथ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्मड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड सो मैक्सिमम वैल्यू कि जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी होगी फाइव ट्वेल्व एटीन थर्टीन एंड सिक्स ये हमें वैल्यू दे रखी है सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एटीन माइनस मिनिमम वैल्यू मिनिमम इज फाइव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्मड हमें कितनी क्लास इंटरवल बनानी है तो मान लेते हमें बनानी है फोर क्लास इंटरवल फोर क्लास इंटरवल तो फिर हम क्या करेंगे डिवाइड बाय फोर कर देंगे तो कितना आएगा थर्टीन अपॉन फोर थर्टीन अपॉन फोर दैट विल बी थ्री पॉइंट टू फाइव अब क्लास इंटरवल तो कभी डेसिमल में नहीं हो सकती दैट मीनस थ्री से बड़ा नंबर क्या है फोर नेक्स्ट होल नंबर इज फोर सो फोर शुड बी क्लास वर्थ क्लास विर्थ हमें क्या रखनी पड़ेगी फोर अब हम क्लास कैसे बनाएंगे फाइव फाइव से फोर ऐड कर देना है तो फाइव से फोर इज नाइन देन नाइन टू थर्टीन थर्टीन टू सेवेंटीन एंड सेवेंटीन टू ट्वेंटी वन ये बन गई हमारी क्लास ये फोर हमें क्या रखनी है क्लास फिर्थ क्लास विथ यानी कि इन दोनों का गैप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो डिफरेंस है ये हमें कितना रखना है फोड़ का ठीक है फाइन अब इस फॉर्मूले को थोड़ा इंटरचेंज भी किया जा सकता है लाइक like, अगर ऐसा पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड जितनी क्लासेस हमें बनानी है ये पूछा गया है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास वे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास वेर्थ इससे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म कि हमें कितनी क्लास इंटरवल बनानी है अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कुछ डेटा हमें गिवन है 12, 27, 32, 6, टू सिक्स नाइनटीन ट्वेंटी 23, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है क्लास विर्थ ये हमें रखनी है कितनी फाइव अब बताना है नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्मड कितनी क्लासेस हमें बनानी है तो हमारा फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है थर्टी टू माइनस मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है सिक्स डिवाइडेड बाय क्लास वि क्लास कितनी है फाइव तो कितना आएगा थर्टी टू माइनस सिक्स इज ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव इज फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू तो अब हमें कितनी क्लासेस बनानी है फाइव फाइव पॉइंट टू या सिक्स क्या लगता है कितनी क्लासेस हम बनाएंगे अगर हमने फाइव क्लास इंटरवेल बनाए हैं फाइव दैट मीन्स कुछ डेटा मिस हो जाएगा बिकॉज यहाँ फाइव पॉइंट टू रिक्वायर्ड है फाइव से ज्यादा रिक्वायर्ड है और फाइव बनाया तो कुछ डेटा मिस हो जाएगा जबकि हमने पढ़ा है क्लास मस्ट बी एग्जॉस्टिव सारा डेटा उसमें आना चाहिए तो फाइव तो आंसर गलत है तो क्या फाइव पॉइंट टू बनेगी फाइव पॉइंट टू तो पॉसिबल ही नहीं है डेसिमल में क्लास इंटरवल नहीं बनती है तो क्या लेंगे ऑलवेज यहां पे जो भी नंबर आएगा उसका नेक्स्ट होल नंबर यहां पे कुछ भी नंबर हो हमें क्या लेना है ऑलवेज उसका नेक्स्ट होल नंबर तो 5.2 के बाद नेक्स्ट होल नंबर क्या आएगा सिक्स तो हमें सिक्स इंटरवेल्स बनाने पड़ेंगे सिक्स इंटरवल बनाने पड़ेंगे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसे कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है लोवेस्ट वैल्यू क्या है सिक्स सिक्स का हमें गैप रखना है तो सिक्स टू क्लास विथ कितनी फाइव की तो फाइव का हमें गैप रखना है तो सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन, इलेवन प्लस फाइव इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फाइव इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव इज थर्टी टू अगर हमने ये फाइव इंटरवल बनाए हैं तो इसमें कौन सा डेटा इंक्लूड नहीं होगा इसमें ये नंबर थर्टी टू इंक्लूड नहीं हो पाएगा बिकॉज ये हमें पता है अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड हमेशा अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है तो सिक्स टू इलेवन में इलेवन नहीं आएगा इलेवन टू सिक्सटीन में सिक्सटीन नहीं आता है सिक्सटीन टू ट्वेंटी में ट्वेंटी नहीं आता है एंड सो ऑन तो इसलिए थर्टी टू यहां पे कवर नहीं होगा हमें नेक्स्ट इंटरवल बनाना ही पड़ेगा थर्टी टू टू कितना हो जाएगा अच्छा इसको हम यहां पे लेते हैं पहले यह थर्टी वन एंड देन थर्टी वन टू थर्टी सिक्स और थर्टी वन है तो वैसे भी यहां पे हमारा डेटा इंक्लूड नहीं होगा ठीक है क्लियर तो इन टोटल सिक्स इंटरवल्स आर छह इंटरवल बने हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट थर्टी सेवन फोर्टी टू फोर्टी फाइव नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन 36 ये हमारा डेटा क्लास विर्थ क्लास विर्थ हमें रखनी है 5 की बताना क्या है नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्मड कितनी क्लासेस फॉर्म होगी चलिए सॉल्व करके बताएं कितना आता है आंसर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है सिर्फ दस सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 45 फाइव माइनस लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 15, लोएस्ट इज 15, डिवाइडेड बाय 5, तो so, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 6, नाउ फाइनल आंसर क्या है क्या 6 हमारा फाइनल आंसर है या नहीं है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी फॉर्म होगी क्या सिक्स या फिर सेवन सिक्स और सेवन कौन सा आंसर करेक्ट है कितनी क्लासेस फॉर्म होगी अब ऐसे केस में कुछ स्टूडेंट आंसर करेंगे सिक्स और कुछ का आंसर होगा सेवन बट द करेक्ट आंसर इज सेवन सेवन क्लासेस विल बी फॉर्म्ड क्योंकि सिक्स अगर हमने लिखा तो जो लास्ट डेटा है जो हाईएस्ट नंबर है वो उसमें कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज़ अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा था कि ऑलवेज क्या करना है हमें नेक्स्ट होल नंबर लेना है तो सिक्स का नेक्स्ट होल नंबर कौन सा है सेवन नेक्स्ट होल नंबर है तो हम अगर स्टार्टिंग करते हैं क्लास इंटरवेल की तो कहां से होगी लोएस्ट वैल्यूज फिफ्टीन क्लास इंटरवेल कितना रखना है फाइव का तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव 25 to टू 30, 30 to टू 35, 35 to 40, 40 टू 45. टू अगर हमने ये सिक्स इंटरवल बनाए हैं तो 45 इसमें कवर नहीं होगा और 45 को कवर करने के लिए हमें नेक्स्ट इंटरवल भी बनाना पड़ेगा सो इन टोटल सेवन क्लास इंटरवल विल बी फॉर्म क्लियर तो इतनी क्लासेस बनेंगी तो ये हो गए हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन तो सबसे पहला क्या था क्लासेस शुड बी अनएम्बिग्यूसली डिफाइंड यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देन जितना पॉसिबल हो सके क्लास विद को सिंपल रखना है और इक्वल रखना है देन नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए देन इट मस्ट बी एग्जॉस्टिव यानी कि सारा डेटा उसमें कवर हो जाना चाहिए एंड क्लास Uh, अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ क्लासेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास अब नेक्स्ट आता है काइंड मेथड्स और मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है फेवरेट का मतलब पता है आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है मेनी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है तो इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें ठीक है चलिए अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन जो है यहां पे ये कितने तरीके के हैं दीज आर फोर टाइप्स चार तरीके क्लासिफिकेशन होते हैं पहला कौन सा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटी जिसका दूसरा नेम है ऑर्डिनल जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है तो क्वालिटेटिव और वी कैन से ऑर्डिनल वेर क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन सम समेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है लाइक सेक्स जेंडर मेल और फीमेल ड्रिंकिंग हैबिट्स किसी को टी पसंद है किसी को कॉफी देन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड लिटरेट ट यह सब क्या है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी फिगर्स तो क्वॉंटिटेटिव इज नोन एज कार्डिनल जहां पे नंबर्स तो को यूज किया जाता है देन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन दट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो जहां क्लासीफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग होगा उसे कहा जाएगा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन दूसरा नेम है इसका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां एक सीक्वेंस फॉलो होती है जैसे कि हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर की इंडेक्स नंबर फॉर दर से 2015 इज 120 फॉर 2016 इज 124 फॉर टू थाउजेंड सेवेंटीन इज वन थर्टी टू फॉर टू थाउजेंड एटीन इज वन फोर्टी एंड सो ऑन तो इन ईयर के साथ में डेटा सो दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसे हम कहेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज ट्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देन लास्ट वन इज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज स्पेशल क्लासिफिकेशन तो जहां पे एरिया के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं जहां क्लासिफिकेशन एरिया के अकॉर्डिंग होता है उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन लाइक पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र हमने उसके सामने फिगर लिखा पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन ऑफ गुजरात एंड सो ऑन तो जहां प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा उसे हम कहेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेशल क्लासिफिकेशन तो ये दोनों नेम्स हमें याद रखने हैं तो क्लासिफिकेशन आर ऑफ फोर चार के क्लासिफिकेशन होते हैं वॉट इज टेबुलेशन टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसे सही तरीके से अरेंज करना इन रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू सर्टिन पे हम रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज करेंगे डेटा इन रोज एंड कॉलम एक लॉजिकल तरीका है एक सिस्टमेटिक तरीका है डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने का सो व्हाट आर द दूजेज और ऑब्जेक्टिव मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ टेबलेशन। किसके फायदे क्या है एडवांटेजेस क्या क्या है ये देखते हैं सो फर्स्ट वन इज टेबुलेशन एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन कॉन्साइज अट्रैक्टिव एंड ईजी टू रीड फॉर्म इसमें इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट हो जाती है और अट्रैक्टिव लगती है रो एंड कॉलम हेडिंग एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ रिपीटिंग एक्सप्लेनेटरी डिटेल एक बार हमने हेडिंग लगा दी कि दिस इज रूपीज और दिस इज किलोग्राम और दिस रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन तो हमें वो वर्ड बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन पैराग्राफ में वही वर्ड बार बार रिपीट होता है दिस मिस रूपीज दिस मिस किलोग्राम दिस मिस रूपीज एंड सो so ऑन तो वो बार बार हमें मेंशन करना रहेगा बट टेबल के अंदर ये सब रिपीटेशन नहीं होता इट फैसिलिटेट्स डिटेक्शन ऑफ एरर अगर कहीं गलती होगी तो वो टेबल में जल्दी से पकड़ में आ सकती है या तो टोटलिंग में एरर या कंपेयर करने पर भी हमें डिफरेंसेस पता लग सकते हैं इट हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा गैदर्ड ऑन सेम कैरेक्टर तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको कंपेयर करने में हमें हेल्प मिलती है इट हेल्प फॉर स्टेटिस्टिकल प्रोसेसिंग एंड डिपेक्टिंग ट्रेंड कि अगर हमें कुछ आगे फर्दर प्रोसेस करना है कुछ मेन मीडियन को रिलेशन रिग्रेशन कुछ भी कैलकुलेट करना है तो उससे पहले एक टेबुलेशन यानी कि टेबल बनी होनी चाहिए तभी हम आगे कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स डेटा आर सिंप्लीफाइड बाय टेबुलेशन तो जो टिपिकल या लेंदी डेटा है उसको यह शॉर्ट कर देता है समराइज कर देता है एनहेंस इज एन इकोनॉमी ऑफ स्पेस तो जगह की बचत होती है सेविंग होती है अ टेबुलर फॉर्म क्लियरली रिवील्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा एंड हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंट फीचर तो डेटा को देखते ही हमें उसके बारे में ट्रेंड का पता लगने लग जाता है लेकिन पैराग्राफ में डेटा पहला कहाँ लिखा है दूसरा कहां है और तीसरा कहां उनको ढूंढने में टाइम लगता है और इतना आसानी से हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं अब आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल एक टेबल के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं टेबल so, में सबसे पहले आती है हमारी रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग तो सबसे पहले ये हमने बना दिया है कॉलम इसके अंदर वापस अलग अलग सब कॉलम्स हो सकते हैं लास्ट में हम टोटल भी लगा सकते हैं तो so, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है टाइटल ऑफ द टेबल दट इज हेडिंग ऑफ द टेबल सबसे पहली चीज जो टेबल में जरूरी है दट इज टाइटल ऑफ द टेबल हेडिंग ऑफ द टेबल कि टेबल क्या बताना चाह रही है क्या रिप्रेजेंट करती है तो ये हो गया टाइटल ऑफ द टेबल सेकंड इज नोन एज कॉलम हेडिंग सेकेंड क्या है कॉलम हेडिंग विच इज नोन एज कैप्शन इसे कहा जाएगा कैप्शन कॉलम हेडिंग थर्ड वन इज रो हेडिंग विच इज नोन एज स्ट तो जो रो की हेडिंग है उसे कहेंगे स्टप फोर्थ वन इज बॉडी ऑफ द टेबल बॉडी ऑफ द टेबल जहां पे सारा डेटा लिखा जाता है बॉडी ऑफ द टेबल एंड उसके बाद तो फोर्थ इसमें लिख देते हैं फोर्थ वन इज बॉडी ऑफ द टेबल और फिफ्थ पार्ट जो है वो है टेबल के नीचे दैट इज फुट नोट फिफ्थ इज फुट नोट फुट नोट में क्या आता है बेसिकली फुट नोट में हम लिखते हैं सोर्स ऑफ डेटा कि हमने जो ऊपर टेबल में डेटा लिखा है वो कहां से कलेक्ट हुआ उसका सोर्स क्या है वॉट इज सोर्स ऑफ डेटा देन रेफरेंस अगर हमें कुछ रेफरेंस देना है कि इस टेबल के साथ में आपको ये पेज नंबर या इस बुक को रेफर करना है तो वो रेफरेंस हम दे सकते हैं कहां पे नोट में सो दीज आर फाइव मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल तो टेबल के मेन पार्ट्स कितने हैं फाइव सबसे पहला टाइटल और हेडिंग ऑफ द टेबल सेकेंड इज कॉलम हेडिंग विच इज नोन एज कैप्शन थर्ड वन इज रो हेडिंग विच इज नोन एज स्टब फोर्थ हेडिंग टेबल जहां पे सारा डेटा लिखा जाता है एंड फिफ्थ वन इज फुट नोट अब इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है जो एक टेबल में आती है टेबल नंबर कहीं बार टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे हमें लिखा मिलता है नंबर टेबल का नंबर लाइक बुक्स में हम देख सकते हैं टेबल नंबर टेन टेन पॉइंट टू एंड सोन लेकिन ये सेम टेबल नंबर आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे टेबल्स तो न्यूज़पेपर में होती है बट वहां टेबल नंबर नहीं होता सो ये हर जगह पर काम में नहीं आता है देन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेबल ये टेबल किस दिन बनी है तो न्यूज़पेपर में जो टेबल्स आती है वहां डेट नॉर्मली मैंशन रहती है कि ये टेबल किस डेट से बिलोंग करती है लेकिन जो बुक्स में टेबल मिलती है वहां पर डेट नहीं आती है कि हमने क्वेश्चन किस दिन बनाया है या, या ये डेटा किस दिन लिखा गया है तो वो बुक्स के अंदर हमें डेट नहीं मिलती है देन नोट एंड फुट नोट हमने डिस्कस कर लिया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा जाता है तो ये जो हमारा पूरा अपर पार्ट है दोल अपर पार्ट इज नोन एज बॉक्स हेड और इस बॉक्स हेड में हम लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहे वो किलोग्राम है रुपीज है कुछ भी है वो लिखा जाएगा इस बॉक्स हेड में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कहां से आई है और उसका रेफरेंस ये दोनों लिखे जाते हैं फुट नोट में फुट नोट में वाइट तो ये हो गए मेन पार्ट ऑफ द टेबल अब टेबल फ्रेम करते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं टेबल को बनाने से पहले यह ध्यान रखना है उस टेबल का रीडर कौन है कौन उस टेबल को पढ़ने वाला है तो हु इज द रीडर फिर टेबल के ऊपर हम क्या लिखते हैं टाइटल तो टाइटल में हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है सिर्फ शॉर्ट हेडिंग लिखनी है ऐसे नहीं कि हमने तीन चार लाइन का एक पूरा पेराग्राफ लिख डाला नो। तो टाइटल में हमें सिर्फ एक शॉर्ट हेडिंग लिखनी है कोई पैराग्राफ नहीं लिखा जाएगा कॉलम शुड चाहिए सिमिलरली रो की भी हेडिंग शॉर्ट एंड प्रसाइज यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी है तो उसे कहां लिखा जाता है एट द हेड यानी कि बॉक्स हेड में अगर बॉक्स हेड में नहीं लिखा जाए तो नेक्स्ट बेस्ट प्लेस कौन सी मानी जाती है फुटनोट जो फुट नोट है उसमें भी लिखा जा सकता है कॉलम एंड रो टोटल मे बी गिवन इफ दे आर ऑफ एनी यूज अगर टेबल में जरूरत है तो हम दोनों जगह टोटल के कॉलम बना सकते हैं जरूरत नहीं है तो ये कॉलम नहीं आएगा इफ वॉल्यूम ऑफ डेटा इज लार्ज इट इज बेटर टू ब्रेक द टेबल इन टू और थ्री सिंपल टेबल्स

दिस कैन फैसिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन मेन कॉलम एंड सब कॉलम तो मेन कॉलम और सब कॉलम को डिफरेंशिएट करने के लिए भी थिक एंड थिन लाइन का यूज कर सकते हैं टेबल शुड नॉट बी वेरी हैवी विथ इलेवेंट माइनर डिटेल छोटी मोटी कोई भी डिटेल है उसे इग्नोर करना है टेबल में ऐसी डिटेल को नहीं लिखा जाता है अगर जरूरी है तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल साइड में अलग बना दें References must be given whenever data are procured from other sources. तो कहीं और से हमने data लिया है, तो उसका reference हमें साथ में देना चाहिए, ठीक है? So ये हो गए main parts of the table. अब इसके कुछ questions. Question number ten. In tabulation, source of data, if any, is shown in source को दिखाया जाएगा footnote में. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनू फॉर टेबुलेशन कौन सा गलत है यह हमें बताना है तो देखें कौन सा गलत है फर्स्ट इज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन जरूरी है इट फैसिलिटीज कंपेरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम क्या हम सिर्फ रो को कंपेयर कर सकते हैं कॉलम को नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सी कॉम्प्लीकेट डेटा कैन बी प्रेजेंटेड करेक्ट है एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन ये भी करेक्ट है ओनली ऑप्शन नंबर बी इज अनट्रू ट्वेल्व फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज कैप्शन का मतलब क्या होता है द अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम तो ऑप्शन नंबर डी थर्टीन स्टेप ऑफ द टेबल स्टप का मतलब हुआ लेफ्ट वाला पार्ट तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब्स रोज जो रो को डिस्क्राइब करता है फोर्टीन एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज पूरा जो अपर पार्ट है उसे हम कहेंगे बॉक्स हेड फिफ्टीन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन बॉक्स हेड ऑप्शन ए टेबल हैज डैश पार्ट्स कितने पार्ट्स होते हैं फाइव मेन पार्ट्स ऑप्शन नंबर सी सेवेंटीन अब सेवेंटीन में हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें कुछ कैलकुलेट करना है आउट ऑफ वन थाउजेंड परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट वर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट बाकी कौन है एग्रीकल्चर वर्कर 300 हंड्रेड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी टीवी पे 300 हंड्रेड ने वर्ल्ड कप को एंजॉय किया है 30 परसेंट ऑफ द पीपल हु एड नॉट वॉज वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर 30 परसेंट कौन थे इंडस्ट्रियल वर्कर थे वॉट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हुईड वर्ल्ड कप मैच ऑन टेबल क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच को देखा है ये हमें फाइंड करना है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे टेबल अब इस टेबल में डिफरेंट रोज और कॉलम्स होंगे तो सिचुएशन क्या है एक तो है एग्रीकल्चर वर्कर दूसरा नॉन एग्रीकल्चर वर्कर एंड देन टोटल और हम कह सकते हैं वॉस्ड वर्ल्ड कप मैचेस नॉट वॉस्ड वर्ल्ड कप मैचेस एंड देन टोटल अब इसको फिल कर देते हैं टेबल को सबसे पहले हमने लिखा इंडस्ट्रियल वर्कर देन एग्रीकल्चर वर्कर एंड टोटल इधर लिखा वॉज वर्ल्ड कप मैचेस नॉट वॉज वर्ल्ड कप मैचेस एंड देन टोटल अब वन बाय वन हमें इसको सारे फिगर्स को लिखना है आउट ऑफ वन थाउजेंड परसेंट थाउजेंड परसेंट है थाउजेंड कहां लिखेंगे टोटल में ये हमने लिख दिया थाउजेंड अब हमें क्या गिवन है? ट्वेंटी फाइव परसेंट वर इंडस्ट्रियल वर्कर थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट वो क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर तो इंडस्ट्रियल वर्कर इसमें थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होता है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हो जाएगा 750 तो कैसा आया थाउजेंड माइनस टू फिफ्टी दस इज सेवन अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है 300 हंड्रेड पर्सन एंजॉइड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी तो वर्ल्ड कप के सामने कितना लिख देंगे 300 हंड्रेड तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड दैट इज सेवन हंड्रेड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थर्टी परसेंट ऑफ द पीपल हु नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैच वर इंडस्ट्रियल वर्कर तो नॉट वॉच में कितने सेवन हंड्रेड का थर्टी परसेंट वो कौन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स तो सेवन हंड्रेड इन थर्टी परसेंट कितना हो गया टू वन जीरो इंडस्ट्रियल वर्कर तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे फोर हंड्रेड एंड नाइनटी तो सेवन हंड्रेड माइनस टू वन जीरो फोर नाइनटी अब बैलेंसिंग फिगर टू फिफ्टी माइनस टू टेन इज फोर्टी एंड सेवन फिफ्टी माइनस फोर नाइंटी फोर नाइंटी ये कितना बन जाएगा टू हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइन तो अब ये हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब इस टेबल को देख के हमें क्या बताना है नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी तो एग्रीकल्चर वर्कर और वर्ल्ड कप मैच दोनों हमें चाहिए तो क्या गया 260, हंड्रेड एंड सिक्सटी इज द करेक्ट आंसर नोट कर लें इसे और जिन्होंने नोट कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है क्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन असडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर फोर्टीट एंडसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर फोर्टी फाइव परसेंट एज अ होल द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज ट्वेंटी वॉट वॉज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स देखें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम बना देते हैं हमारे टेबल टेबल में हमारे कॉलम बना देते हैं मेल फीमेल एंड टोटल कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स एंड टोटल सबसे पहले हमने लिखा मेल देन फीमेल और उसके बाद में टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, ड्रिंकर्स नॉन कॉफी एंड टोटल ये बन गई हमारे टेबल अब इस बार हमें क्या बता रखा है कि सारा डेटा परसेंटेज की फॉर्म में है तो परसेंटेज का टोटल टो 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 ऑलवेज कितना होगा 100? तो हमने यहां पे लिख दिया 100 परसेंट अब आगे लिखा है फोर्टी परसेंट ऑफ देम आर वुमेन तो फीमेल में हमने कितना लिखा फोर्टी तो रिमेनिंग कितना होगा हंड्रेड माइनस फोर्टी दैट इज सिक्सटी परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर फोर्टी फाइव एज अ होल तो कॉफी के सामने कितना लिखेंगे फोर्टी फाइव तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हंड्रेड माइनस फोर्टी फाइव दैट इज फिफ्टी फाइव 55. फिर आगे क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज ट्वेंटी तो मेल एज वेल एज कॉफी ड्रिंकर दोनों तो वो कितना है ट्वेंटी ये हमने लिख दिया ट्वेंटी अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो सिक्सटी माइनस ट्वेंटी इज फोर्टी फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी इज फिफ्टीन एंड फोर्टी माइनस फिफ्टीन इज ट्वेंटी फाइव तो सारा डेटा टेबल का आ चुका है रिक्वायर्ड क्या था परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स तो फीमेल एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स दोनों चाहिए तो वो कौन सा है फिफ्टीन सो करेक्ट आंसर इज बी फिफ्टीन अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 19। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हमें बता रखे हैं बिलो 10, बिलो 20 एंड सो ऑन अप टू 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30? 30 से ज्यादा कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हमें दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हंड्रेड बिलो थर्टी कितने हैं सिक्सटी फाइव तो बिलो थर्टी सिक्सटी फाइव है तो मोर देन थर्टी कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस सिक्सटी फाइव दैट इज थर्टी फाइव ऑप्शन नंबर सी फाइन ट्वेंटी फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन टू फिफ्टी एंड थ्री हंड्रेड इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं फॉलोइंग डेटा तो कैसे करेंगे सो वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मोर देन टू फिफ्टी में लिखा है थर्टी एट मोर देन थ्री हंड्रेड में है फिफ्टीन तो इन दोनों के बीच में कितने हो गए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द डेटा ऑन अ वेरिएबल वी अडोप्ट मैथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन टू सेवरल क्लासेस बायिंग फ्रीक्वेंसी टेली अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं कि हमें कुछ डेटा गिवन होगा कुछ वैल्यूज गिवेन होगी उसे एक प्रॉपर ग्रुप फॉर्म में या क्लास इंटरवल फॉर्म में अरेंज करना होता है बाय यूजिंग टेली मार्क्स दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डेटा हमें गिवन है फोर थ्री ट्वेल्व नाइन थर्टीन फोर्टीन सेवन एट ट्वेल्व फाइव सिक्स टू टेन फिफ्टीन सेवेंटीन एटीन सिक्सटीन ये सारा डेटा हमें गिवन है अब हमें क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपके सामने ये क्लास इंटरवल है जीरो टू फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी इसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम क्या करेंगे टेली मार्क्स यूज करेंगे अब टेली मार्क कैसे यूज करना है कि सबसे पहले नंबर फोर नंबर फोर कहाँ आएगा जीरो टू फाइव में तो उसके सामने एक टेली मार्क करनी है देन नंबर थ्री नंबर थ्री अगेन जीरो टू फाइव में नंबर ट्वेल्व टेन टू फिफ्टीन फिर नाइन थर्टीन फोर्टीन सेवन एट ट्वेल्व फाइव फाइव कहां पे आएगा फाइव टू टेन में सिक्स सिक्स आ जाएगा अगेन फाइव टू टेन तो जैसे फिफ्थ टैली आएगी उसे उस लगाएंगे क्रॉस में देन टू टेन टेन आएगा कहां पे टेन टू फिफ्टीन में 15 फ्राम 15 टू 20 17 18 एंड 16 ये हमने टैली मार्क कर दी अब इस टैली को क्या करना है काउंट करना है तो 0 टू 5 के सामने थ्री टैलीज है तो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3 5 टू 10 में एक पूरा बंच बन चुका है 5 का 10 टू 15 में भी कितना है 5 एंड 15 टू 20 में कितना है 4 टोटल टोटल आ गया सेवेंटीन तो जो हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी थी उसको हमने क्लास इंटरवल में सीरीज में कन्वर्ट कर दिया दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो सबसे पहले क्या करना है फाइंडिंग द क्लास इंटरवल कि कौन कौन सी क्लास इंटरवल होगी फिर उसमें फ्रीक्वेंसी टैली को मार्क करना एंड फाइनली काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख देना सो दीज आर द थ्री स्टेप्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये पार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कहां पढ़ा है नाइन टेंथ में उससे पहले सिक्स में नहीं उससे भी पहले आपने पढ़ा है कब के जी प्रेप के अंदर थ्री प्लस फोर थ्री टेली मार्क्स की थी आपने एंड उसके बाद में फोर टैली और उनको काउंट करके लिखा था कितना सेवन तो टैली मार्क्स तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसमें कोई समस्या नहीं होगी ट्वेंटी टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेन्जेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेज ऑब्जर्वेशन इन नंबर ऑफ ग्रुप्स और इट्स रिलेट टू अबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा सही है ऑल ऑफ दीज ट्वेंटी थ्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 24. टेली मार्क्स डिटरमिन टेली मार्क्स क्या बताता है फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर डी 25. इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जनरली प्रेफरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ क्लासेस कैसी होनी चाहिए इक्वल विर्थ की ऑप्शन ए 26. सिक्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन अ क्लास ज नोन एज एक क्लास में जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज ये वैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं एक्सक्लूसिव में क्लास इंटरवल होती है लाइक जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी तो इसमें नंबर रिपीट हो रहा है लाइक नंबर टेन नंबर ट्वेंटी एंड सो ऑन ये नंबर रिपीट होता है सो इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग सीरीज इसे ओवरलैपिंग सीरीज भी कहा जा सकता है देन ये किसके लिए यूज होता है क्लास लिमिट क्योंकि कंटिन्यूस होती है सो इट इज यूज फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज लिया जाता है इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव में क्लास इंटरवल कैसी बनती है बार बार ब्रेक होगी like 29 जीरो तो बीच में हर बार ब्रेक आएगा कंटिन्यूटियां मेंटेन नहीं रहती है सो देर इज नो एम्बिग्यूटी टू विच एन आइटम कोई भी आइटम किस क्लास इंटरवल में आएगा उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होता लाइक like, अगर एक्सक्लूसिव है तो उसमें नंबर टेन कहाँ लिखें? जीरो टू टेन या टेन टू ट्वेंटी तो वहां पे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आती है लेकिन इंक्लूसिव में क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं होता तो इसलिए यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है आईडिया ऑफ कंटिन्यूटी इज लॉस यहां कंटिन्यूटी नहीं है तो सूटेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल और ऐसे वेरिएबल जहां पे डेटा किस में होगा होल नंबर में लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज होल नंबर होंगे टू चिल्ड्रन थ्री चिल्ड्रन ऐसा तो है नहीं कि किसी के ढाई बच्चे हैं टू पॉइंट फाइव चिल्ड्रेन ये तो पॉसिबल नहीं है तो जहां भी होल नंबर में डेटा है वहां पर यूज करेंगे इंक्लूसिव लिमिट्स ट्वेंटी एट म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर इंक्लूसिव वाला किसके लिए है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए एंड एक्सक्लूजिव इज फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल थर्टी सेल्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द फोर मंथ्स। सेल्स दे रखी है मंथ्स एंड सेल सीरीज कौन सी है इंडिविजुअल डिस्क्रीट या कंटिन्यूस इट इज सिंपली इंडिविजुअल सीरीज ज फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन अब इसमें क्या कहेंगे एक्सक्लूड्स बोध क्लास लिमिट या एक्सक्लूड अपर बट इंक्लूड लोअर लिमिट या इंक्लूड अपर लिमिट बट एक्सक्लूड अपर क्लास लिमिट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी अपर लिमिट को एक्सक्लूड करता है लोअर लिमिट को इंक्लूड करता है नाउ, नेक्स्ट थिंग इज लिमिट्स एंड बाउंड्री दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है वो अब हमें समझना है एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में लाइक like हम लिखते हैं टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी बट इंक्लूसिव में हम यहां क्या लिखते हैं टेन टू नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी नाइन फाइन अब यहां पे ये जो हमने लोअर लिमिट की है यह जो लेफ्ट हैंड पार्ट है इसे क्या कहा जाता है लोअर क्लास लिमिट एंड जो राइट हैंड साइड है इसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट लेकिन कई बार कोई डेटा ऐसा होता है जो इस 19 से 20 के बीच में आता है लाइक like 19.3 अब हम उसे कहां लिखेंगे 10 टू 19 में या फिर 20 से 29 में तो 19.3 19 से तो ग्रेटर है तो 10 से 19 में तो कवर नहीं हो पाता है अब आती है बात 20 से 29 तो मिनिमम वैल्यू यहां आनी चाहिए 20 बट इट इज लेस देन 20 तो यहां भी कवर नहीं होगा तो ऐसे केस में हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं किस में एक्सक्लूसिव में तो जब इसका कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन कैसे होता है तो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल इन दोनों का हमें क्या लेना है डिफरेंस तो so, 20 माइनस नाइनटीन ये डिफरेंस हमें लेना है 20 माइनस नाइनटीन डिफरेंस आ गया वन अब इस डिफरेंस को क्या करते हैं हाफ दैट इज 0.5 और इस 0.5 को लोअर लिमिट में से करना है लेस एंड अपर लिमिट में करना है एड लोअर लिमिट में लेस एंड अपर लिमिट में एड सो so 10 में से लेस करेंगे तो कितना बनेगा 9.5 पॉइंट एंड नाइनटीन में एड होगा तो 19.5। पॉइंट फाइव फिर नाइनटीन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टू थर्टी नाइन पॉइंट फाइव ठीक है तो अब ये जो इंटरवल है ये बन गया है कंटिन्यूस बिकॉज 19.5 रिपीट हो रहा है फिर 29.5 रिपीट हो रहा है तो अब ये कंटिन्यूस बन चुका है तो अब यहां जो वैल्यू लिखी है राइट हैंड साइड में इसे हम क्या कहेंगे अपर क्लास बाउंड्री अब इसे लिमिट नहीं अब इसे बाउंड्री कहा जाएगा लिमिट तो थी कौन सी 19, लेकिन बाउंड्री है और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे कहा जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री एल सी बी लोअर क्लास बाउंड्री तो इन दोनों का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बना ये हमें अब याद रखना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री हमने क्या किया था लोअर क्लास लिमिट में से लेस किया था किसको? डिफरेंस अपॉन टू को डी बाय टू को एंड अपर क्लास बाउंड्री के लिए हमने अपर क्लास लिमिट में एड किया है किसको डी बाय टू को तो इससे आ जा रही है हमारी बाउंड्री तो एल क्या है एल से भी एक लोअर वैल्यू एंड यूसी क्या है अपर लिमिट से भी एक अपर वैल्यू बड़ी वैल्यू दैट इज यूसीबी तो इंक्लूसिव के अंदर दो पार्ट हो गए लिमिट एज वेल एज बाउंड्री और अगर सीधा हमें ये एक्सक्लूसिव दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे लिमिट या बाउंड्री तो अगर पहले से ही कोई सीरीज एक्सक्लूसिव है तो लिमिट भी यही है और बाउंड्री भी यही है बोथ आर सेम दोनों सेम होते हैं यूसीएल एज वेल एज यूसीबी दोनों सेम होते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है एलसीएल एंड एल सी बी लोअर लिमिट एंड लोअर बाउंड्री क्लियर तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि लिमिट क्या है और बाउंड्री क्या है अब बात आती है क्लास इंटरवल की तो जब हम क्लास इंटरवेल फाइंड आउट करेंगे तो हमें किसका डिफरेंस लेना है लिमिट का या बाउंड्री का किसका डिफरेंस लेंगे लिमिट या बाउंड्री अगर यहां देखें लिमिट कितनी है टेन टू नाइनटीन ये इंटरवल और बाउंड्री में नाइन पॉइंट फाइव टू नाइनटीन पॉइंट फाइव अगर टेन से नाइनटीन का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस दिखता है 9. और इन दोनों का डिफरेंस 19.5 एंड 9.5 का डिफरेंस आता है 10 तो करेक्ट आंसर इज 10 तो क्लास इंटरवल के लिए हमें डिफरेंस लेना होता है बाउंड्री का अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री दोनों बाउंड्रीज का हमें डिफरेंस लेना है यूसीबी एंड एलसीबी ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लास इंटरवेल यूसी बी माइनस एल फिर आता है मिड पॉइंट मिड वैल्यू मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लिमिट से या बाउंड्री से अगर देखें लिमिट है तो 10 प्लस नाइनटीन अपॉन टू कितना आएगा 14.5 और बाउंड्री से करना है नाइन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू यह भी आ जाएगा तो चाहे लिमिट से निकालें या फिर बाउंड्री से मिड वैल्यू तो वही आती है तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट है सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 या फिर लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री अपॉन एंड दिस मिड पॉइंट और मिड वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क इसे क्लास मार्क भी कहा जाता है फाइन अब जो दो पॉइंट्स और आते हैं वो क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ जैसे क्लास इंटरवल हमें दे रखी है जीरो टू फाइव फाइव टू टेन एंड टेन टू फिफ्टीन और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमें दी है टेन फाइव टेन एंड फिफ्टीन अब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास कितनी है फ्रीक्वेंसी फाइव डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ क्लास इंटरवल कितना है फाइव तो इट इज वन देन नेक्स्ट में कितना आएगा फ्रीक्वेंसी इज टेन टेन अपॉन फाइव इज टू फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन फाइव इज थ्री तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्लास फिथ नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है कंपैरिजन करना है किसको क्लास इंटरवल क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ में क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपैरिजन करना है सो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है फाइव और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है थर्टी तो फाइव बाय थर्टी देन नेक्स्ट के अंदर टेन बाय थर्टी लास्ट में फिफ्टीन बाय थर्टी और इन सबको एड करने से टोटल ऑलवेज कितना आएगा वन ये फिक्स है टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू वन ये वन ही होगा अब इसे नोट कर ले फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री आर सेम और नॉट सेम ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया है ओवरलैपिंग मींस एक्सक्लूसिव सीरीज तो उसमें लिमिट और बाउंड्री दोनों सेम होते हैं थर्टी फाइव इज़, यूसीबी क्या है अपर लिमिट ऑफ यूसीएल यूसीएल की भी अपर लिमिट एंड एलसी भी क्या है इट इज अ लोअर लिमिट ऑफ एल सी एल एल सी एल की भी लोअर लिमिट थर्टी सेवन लेंथ ऑफ अ क्लास क्लास लेंथ क्लास विड्थ किसका डिफरेंस लेना है बाउंड्री का थर्टी एट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्ड टू क्लास इंटरवेल इज द रेशियो ऑफ ये किसका रेशियो है क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास थ ऑप्शन नंबर बी थर्टी नाइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास किसी एक क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है सो लाइज बिटवीन जीरो एंड वन बोथ इंक्लूसिव ऑप्शन गलत होगा क्योंकि वन नहीं हो सकता वन तो ऑलवेज टोटल आएगा एक पर्टिकुलर क्लास की वैल्यू वन नहीं हो सकती है

फोर्टी टू अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवेल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन एक्सेट्रा इन सबकी कैलकुलेशन में क्या काम में आता है क्लास मार्क हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है फोर्टी थ्री क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वे ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन वेर्थ ऑफ दैट क्लास इसे क्या जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑप्शन नंबर ए फाइन तो चैप्टर का सेकेंड पार्ट यहां पर फिनिश होता है अब नेक्स्ट कौन सा आएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा गुड मॉर्निंग क्लास शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग ग्राफ डायग्राम्स पिक्चर्स तो ये सबसे अट्रैक्टिव तरीका माना जाता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दिस मेथड इज द अट्रैक्टिव वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये सबसे अट्रैक्टिव तरीका माना जाता है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोध सेक्शन ऑफ सोसाइटी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड चाहे कैसे भी लोग हैं वो इन ग्राफ्स डायग्राम को देख के सिचुएशन को समझ सकते हैं एनी हिडन ट्रेंड अगर कोई पॉइंट छुपा हुआ है तो डायग्राम में कही कहीं ना कहीं इजिली नोटिस हो जाता है हाउएवर कंपेयर टू टेबलेशन दिस इज लेस एक्ट यहां पे फिगर का एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं पता लगता है लेकिन एक ट्रेंड जरूर पता लग जाता है सो इफ देयर इज प्रायोरिटी फॉर एक्यूरेसी अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए देन इट इज रिकमेंडेड फॉर टेबुलेशन तो उस केस में टेबुलेशन यूज करना चाहिए टाइप्स ऑफ डायग्राम्स अब ग्राफ डायग्राम काफी सारी तरह के होते हैं फर्स्ट वन इज नोन एज लाइन डायग्राम ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिया ग्राम, लाइन डायग्राम ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिया ग्राम हिस्टोग्राम नहीं कहेंगे इट इज ग्राम, ठीक है सेकेंड इज बार डायग्राम एंड थर्ड वन इज पाई चार्ट बार डायग्राम एंड थर्ड वन इज पाई चार्ट सबसे पहले आते हैं लाइन डायग्राम पे वेन डेटा वेरी ओवर टाइम वी यूज द लाइन डायग्राम एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सेस एंड वेरिएबल ऑन वाई एक्सेस कि लाइक टाइम के साथ में हमें कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वेरिएबल जो होगा दूसरा वाई पे आएगा एक्स पे आ जाएगा टाइम लाइन इज डिपिक्टेड फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं लाइन डायग्राम ये सबसे कॉमन डायग्राम है जो हमें देखने को मिलता है जैसे कि क्रिकेट मैच में हम लोगों ने देखा होगा लाइक like, फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगता है तो दिस इज स्कोर इन अ क्रिकेट मैच तो ये एग्जाम्पल किसका है लाइन डायग्राम का देन लोगेरेथम चार्ट और रेशियो चार्ट इसकी क्या खासियत है वेन दर इज वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है वी यूज लॉगे और रेशियो चार्ट तब इस रेशियो चार्ट को काम में लिया जाता है दिस टू शो द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज की रेट के लिए काम में आता है ठीक है इट इज यूज टू शो द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज तो ये भी एक तरह से लाइन चार्ट ही है लेकिन पहले हम क्या करते हैं लॉगरेथम कैलकुलेट करते हैं और जो उसकी वैल्यू आएगी उसी को प्लॉट किया जाता है तो लॉग चार्ट कब यूज लेना है ये इंपॉर्टेंट है व्हेन फ्लक्चुएशन इज मोर जहां फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है तब लॉगरिथम चार्ट या रेशियो चार्ट को यूज लेना है तो एग्जाम में हमें डायग्राम्स नहीं बनाने हैं तो इसलिए इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सा चार्ट किस वक्त काम में आता है देन मल्टीपल लाइन चार्ट एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा जब लाइंस बन रही है उसे हम कहेंगे मल्टीपल लाइन चार्ट जैसे अभी हमने ये लाइन डायग्राम बनाया है दिस इज स्कोर ऑफ टीम ए सेकेंड टीम का जो स्कोर है वो कुछ इस तरह से बन रहा है दिस इज स्कोर ऑफ टीम बी तो जब एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा लाइन डायग्राम होंगे उसे कहा जाएगा मल्टीपल लाइन चार्ट सो टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट यहां पे डेटा कैसा होता है सेम यूनिट में लाइक like दोनों जगह क्या है स्कोर रन तो दोनों का यूनिट सेम होगा नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सिस चार्ट मल्टीपल एक्सेस चार्ट कब यूज लेना है जब दोनों लाइंस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होता है सो इट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स। यहां पे यूनिट्स कैसे होंगे डिफरेंट होते हैं अलग होते हैं तो इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं अब एक तरफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस अब इधर हमने पे मान लो लिया है प्रोडक्शन ऑफ राइस राइस का प्रोडक्शन z पे है एरिया कितने एरिया में प्रोडक्शन हुआ है कितने एरिया में प्रोडक्शन हुआ है और x में क्या आ जाएगा टाइम अब यहां जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग है प्रोडक्शन का यूनिट क्या है टन एरिया का यूनिट क्या है हेक्टेयर एरिया का यूनिट है हेक्टेयर तो पहले हम प्लॉट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ राइस राइस का प्रोडक्शन कितना है तो इसके लिए डायग्राम बनाया जाता है हमने डायग्राम बनाया अब एरिया किस वक्त कितना एरिया हमने यूज लिया है ये हमारा दूसरा लाइन डायग्राम तो दोनों का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग है एक टन में है और दूसरा हेक्टर्स में तो दिस इज मल्टीपल एक्सिस चार्ट नेक्स्ट इज बार डायग्राम बार डायग्राम इट कैन बी वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के बार डायग्राम हो सकते हैं अब जो इसमें नॉर्मल normal, नॉर्मली uh, क्या होता है हॉरिजोंटल बार डायग्राम इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा जहां पे क्वालिटी है क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजोंटल बार्स बनाए जाते हैं और वी कैन सी डेटा वेरिंग ओवर स्पेस वेर एज वर्टिकल बार डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ क्वांटिटेटिव डेटा जहां पर हमें क्वांटिटी वैल्यू नंबर को बताना है या कहते हैं टाइम सीरीज डेटा उसे कहा जाएगा वर्टिकल बार डायग्राम तो वर्टिकल का यूज नंबर्स के लिए होगा और हॉरिज़ॉन्टल का क्वांटिटी क्वालिटी uh, के लिए फाइन। तो बार डायग्राम किस तरह से बन सकता है अब इस पर हम डिफरेंट बार्स बनाते हैं दिस इज सिंपली बार डायग्राम और वी कैन से वर्टिकल बार डायग्राम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अब बात आती है कि इसकी कॉम्पोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम तो अब हमें क्या करना है बार डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट है डिफरेंट ईयर्स में लाइक इन द ईयर 2015 2016 एंड 2017 और वो भी किसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स में अलग अलग स्ट्रीम में तो हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये पार्ट हो गया लाइक दिस पार्ट इज फॉर कॉमर्स ये सारा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमर्स को फिर नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लाइक दिस पार्ट इज साइंस एंड लास्ट वन इज आर्ट्स लास्ट पार्ट जो हमने लिया है दैट इज आर्ट्स ये आ गया आर्ट्स तो हमने एक बार को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो इसे कहेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम ठीक है सो so, एक था कॉमर्स के लिए दूसरा साइंस के लिए और तीसरा आर्ट्स के लिए सिंपली सब डिवाइडेड बार डायग्राम अब सब डिवाइडेड में खासियत क्या है हम कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं सो कंपेरिजन कैन बी मेड इयर वाइज फिफ्टीन का सिक्सटीन से सेवनटीन से किसी के साथ भी कंपेरिजन हो सकता है साथ में एक ईयर में डिफरेंट स्ट्रीम्स में कितने स्टूडेंट्स है कॉमर्स का साइंस के साथ आर्ट्स के साथ ये कंपैरिजन भी पॉसिबल है तो आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं और दूसरों के साथ में भी कंपैरिजन कर सकते हैं देन परसेंटेज बार डायग्राम इज यूज फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल एंड ऑल्सो द रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स टू द होल इसी डायग्राम को हम डिफरेंट परसेंटेज में भी लिख सकते हैं कि लाइक ये जो अपर पार्ट है

तब यहाँ तो काम में लेंगे परसेंटेज बार डायग्राम या फिर पाई चार्ट दोनों को यूज लिया जा सकता है अब देखते हैं पाई चार्ट पाई चार्ट कैसे बनेगा अब पाई चार्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसुइंग सी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सी ए कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट परस्यूइंग सीए फाउंडेशन जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं सो ये पार्ट सीए फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पूरा पार्ट सीए फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है फाइन सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट आता है इधर यह आ गया फॉर सी ए इंटरमीडिएट एंड थर्ड पार्ट इज फॉर सी ए फाइनल सी ए फाइनल तो हर पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए सी ए इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद में सी ए फाइनल फाइन तो अब ये पाई चार्ट जो है ये एक तरह से क्या कर रहा है हर सेगमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा है हर सेगमेंट दूसरे से अलग है एक इंटर एक फाउंडेशन और फिर फाइनल तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पे है सीए फाउंडेशन में फाउंडेशन से गए इंटर में तो थोड़े से कम हो जाएंगे फाउंडेशन से इंटर में तो थोड़े कम हो गए और इंटर से फाइनल में तो थोड़े और कम हो गए तो हम यहां पे कंपैरिजन एक सेगमेंट का दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं प्लस टोटल के साथ में भी कंपैरिजन देख सकते हैं कि टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं उसमें से इतने परसेंटेज फाउंडेशन में है इतने परसेंटेज इंटर में और इतना परसेंट फाइनल में ठीक है ठीके? तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फैमिली एक्सपेंडिचर किसी फैमिली का बजट हमें बनाना है तो फैमिली में अलग अलग हेड्स पे एक्सपेंडिचर होता है लाइक फूड फूड के बाद क्लोथिंग, रेंट पावर एंड फ्यूल एंटरटेनमेंट एंड अदर्स तो इतने सारे हमने हेड बना दिए हैं तो हम क्या यहां पे एक हेड को दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकते हैं प्लस टोटल के साथ में भी कंपैरिजन हो सकता है तो ऐसे केसेस में पाई चार्ट को यूज किया जाता है चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट पे हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस इन अगर कोई हिडन ट्रेंड है तो वो सामने आ सकता है कब

वन कॉस्ट ऑफ शुगर इन मंथ अंडर द हेड रॉ मटीरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर्ट दिस्ट तो हमें फोर हेड्स में एक्सपेंडिचर बता रखा है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ शुगर तो हमारे पास ये चार हेड है रॉ मटीरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स अमाउंट कितना है ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टी फाइव एंड ट्वेंटी थ्री ये इसका अमाउंट टोटल टोटल इज नाइंटी अब हमें क्या करना है हमें फाइंड करना है एंगल तो इनके लिए एंगल कैसे कैलकुलेट होता है तो एंगल का टोटल कितना होता है ऑलवेज 360 डिग्री 360 डिग्री तो अगर हमें रॉ मटेरियल के लिए वो आउट ऑफ नाइनटी इंटू थ्री है, तो कितना आ जाएगा एंगल दिस विल बिकम 48 एट डिग्री तो मल्टीप्लाई हमें 100 से नहीं 360 से करना है देन लेबर के लिए ट्वेंटी अपॉन नाइन्टी इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री एटी डिग्रीज देन सेम फॉर थर्टी फाइव कितना वन फोर्टी डिग्री एंड ट्वेंटी थ्री के लिए आएगा नाइन्टी टू डिग्रीज बट हमें सबके लिए एंगल नहीं पूछा है हमें सिर्फ क्या पूछा है डिफरेंस ऑफ हाइएस्ट एंड लोवेस्ट तो हाइएस्ट क्या है वन फोर्टी लोवेस्ट है फोर्टी एट तो इन दोनों का डिफरेंस टू डिग्रीज नाइन्टी टू डिग्री और ये तुमने तो इसको पूरा समझने के लिए क्या है अदरवाइज डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे हाइएस्ट वैल्यू इज थर्टी फाइव लोएस्ट वैल्यू इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टोटल इज नाइन्टी इंटू थ्री सिक्सटी डिग्रीज तो सीधा आंसर आ जाएगा नाइन्टी टू डिग्रीज तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्ट आंसर इज डी नाइन्टी टू डिग्रीज नेक्स्ट स्पाई डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ये डेटा हमें गिवन है फाइंड करना सेंट्रल एंगल्स ये आपका होमवर्क है इजिली आप कर सकते हैं थर्टीन चार्ट डेट यूजेज लोगेथम ऑफ वेरिएबल उसे कहेंगे रेशियो चार्ट मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर अप्लाई होगा जब दोनों के यूनिट्स सेम होंगे और मल्टीपल एक्सिस चार्ट जहां यूनिट्स अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं तो मल्टीपल लाइन चार्ट के लिए ऑप्शन नंबर बी सेम यूनिट फिफ्टीन डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कॉम्पोनेट ऑफ वेरिएबल या फिर रिलेशन ऑफ डिफरेंट टू द टोटल ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी सिक्सटीन पाई डायग्राम इज यूज फॉर किसके लिए होता है कंपेयरिंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड देर रिलेशन टू द टोटल ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब यहां पे कौन कौन से डायग्राम बनते हैं फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलिगन एंड थर्ड वन इज ओजाइव ओजाइव ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स सबसे पहले हम आते हैं हिस्टोग्राम पे हिस्टोग्राम हेल्प्स अस टू गिव एन आइडिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर वेरिएबल अंडर कि हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका कर्व कैसा बनेगा एक प्रॉपर आइडिया हमें मिल जाता है कंपैरिजन अब उसका जो मेन फीचर है वो क्या है कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल यहां कंपैरिजन पॉसिबल होता है इन दिस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग हिस्टोग्राम ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हिस्टोग्राम इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो डायग्राम में सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो भी कौन सा है हिस्टोग्राम अपियर्स जस्ट लाइक वर्टिकल बार डायग्राम तो ये वर्टिकल बार डायग्राम की तरह ही होता है फाइन तो अगर इसका डायग्राम हम बनाए तो ये बन गया हमारा वर्टिकल बार डायग्राम की तरह दिखने वाला हिस्टोग्राम विच इज ऑल्सो नोन एज एरिया डायग्राम अब इसे मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें पता है मोड कहां लाइक करता है जहां फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो सेकेंड बार में फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे यहां से नेक्स्ट बार तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रीवियस बार तक भी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है और फिर अब एक स्ट्रेट लाइन नीचे तक लेके जाएंगे एंड दिस पार्ट इज नोन एज मोड यहां से मोड कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे सिलेबस में मोड की कैलकुलेशन तो नहीं है तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है मोड को ग्राफिकली कैलकुलेट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज होता है फाइन फिर आता है कि ये तो है, आ, जो मोड है ये जो क्लास इंटरवेल्स है ये क्लास इंटरवल इक्वल होगी या अन तो ये कैसे भी हो सकती है इट कैन बी इक्वल और इट नॉट बी इट मे और मे नॉट बी इक्वल देन फ्रीक्वेंसी पॉलिगन इट इज मेंट फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑल्सो अप्लाइड फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड

टेन टू ट्वेंटी टू थर्टी तो जहां वृद्ध सेम होगी तो वहां इसे कंटिन्यू सीरीज में भी काम में लिया जा सकता है तो डिस्क्रीट में अगर डिफरेंस सेम है तो वहां काम आता है कंटिन्यू में क्लास वृत अगर सेम है तो उधर भी यूज लिया जा सकता है तो इसको बनाना कैसे है ड्रॉ कैसे किया जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे जो मिड पॉइंट्स होते हैं बार के इनको आपस में मिला देना है ये जो हमारे मिड पॉइंट है इसे मिला देते हैं और इसको नेक्स्ट बार के मिड तक लेके जाना है तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में प्रॉब्लम क्या है हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ लाइक like इस तरह का डायग्राम है तो यहां फ्रीक्वेंसी इज के नॉट बी कंपेयर्ड फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता क्लियर एंड कंडीशन साथ में क्या है क्लास इन ट्वेल्व मस्ट बी ऑफ इक्वल वेर्थ लेकिन हिस्टोग्राम में क्लास वेर्थ डिफरेंट हो सकती है थर्ड पार्ट आता है ओजाइव। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री ट ओजाइव एंड इट इज सिंपली अ लाइन डायग्राम कि अगर हमें कोई क्लास इंटरवल दे रखा है सीरीज दे रखी है तो उसको हम पहले लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू थर्टी 30 टू 40 एंड 40 टू 50. अब इसके सामने फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है थ्री सेवन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड फाइव अब हमें क्या करना है अब हमें बनाना है लेस देन लेस देन जीरो टेन लेस देन जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी इसके सामने एक तरह से आ जाएगा CF एफ क्यूमुलेटिव तो जीरो से टेन तो जीरो से टेन के बीच में थ्री है बट जीरो से कम जीरो से कम तो कुछ भी नहीं है बिलो टेन टेन से कम क्या है थ्री ऑब्जर्वेशन तो लिखा थ्री देन लेस देन ट्वेंटी तो थ्री एज वेल एज सेवन ये दोनों ही क्या है ट्वेंटी से कम आएंगे दिस so इज फिर नेक्स्ट थ्री सेवन एंड ट्वेंटी सबको एड करेंगे तो थर्टी देन फोर्टी फाइव एंड देन फिफ्टीन दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पहले हमने क्लास इंटरवेल से लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है अब क्या बनाएंगे मोर देन फ्रीक्वेंसी मोर देन तो मोर देन जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी मोर देन जीरो तो टोटल कितने हैं फिफ्टी तो जीरो से ज्यादा सारे ही क्या हैं जीरो से ज्यादा है मोर देन टेन टेन से ज्यादा तो जीरो से टेन में थ्री है बाकी सब उससे ज्यादा है तो फिफ्टी माइनस दैट फोर्टी सेवन फिर नेक्स्ट से ट्वेंटी में सेवन और आ गए रिमेनिंग कितने हैं फोर्टी फिर नेक्स्ट ट्वेंटी और चले गए पीछे बचे हैं कितने ट्वेंटी फिफ्टीन चले गए पीछे बचे फाइव एंड लास्ट में जीरो तो इस तरह से हमें प्लॉट करना है लेस देन एंड मोर देन अब अगर इसका कर्व बनाया जाए तो ये कर्व किस तरह से बनेगा ये कर्व नॉर्मली इस तरह से बनता है ये बनता है कौन सा लेस देन टाइप जाए, कि हमें इस तरह से सारे पॉइंट्स को मार्क करना है और ये बन जाता है हमारा लेस देन टाइप जाए। फिर आता है मोर देन वो किस तरह से बनता है ये बन जाएगा मोर देन टाइप हो जाए एग्जाम में प्लॉट नहीं करना है सिर्फ हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं डायग्राम किस तरह से बनता है तो ये लेस देन एंड मोर देन अब जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कौन सी वैल्यू आती है इसके इंटरसेक्शन से कैलकुलेट होता है मीडियन लेस देन एंड मोर देन सीरीज या इन दोनों कर्व से क्या निकलता है मीडियन फाइन अब दोनों कर्व को अगर एक साथ देखा जाए तो इसका शेप कैसा दिखेगा एक्स शेप दोनों का देखा जाए एक साथ में तो एक्स ओनली अगर लेस देन टाइप का शेप दिखना है तो लेस देन का शेप कौन सा होगा एस ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है तो लेस देन टाइप का शेप होगा एस और दोनों जब मिल जाएंगे जब दोनों कर्व साथ में बनाते हैं तो उसका शेप होगा एक्स देन ओजाइव से हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ओजाइव वी कैन कैलकुलेट एनी पोजिशनल वैल्यू कोई भी पोजिशनल वैल्यू फाइंड हो सकती है जैसे मीडियन हम कर सकते हैं उसी तरह से क्वार्टाइल, क्वांटाइल ऑक्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग ओजाइव तो उन सब के लिए क्या करते हैं पहले रैंक हम निकालते हैं लाइक रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल तो उस रैंक से हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो हम थर्ड क्वार्टाइल के लिए यह लाइन आगे तक ड्रॉ कर देंगे और यहां से आ जाएगा थर्ड क्वार्टाइल। तो वी कैन कैलकुलेट एनी पोजिशनल वैल्यू यूजिंग दिस ओजाइव क्लियर हिस्टोग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोड एंड ओजाइव से कैलकुलेट हो सकता है मीडियम अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मीन के लिए मीन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग डैश तो आंसर क्या करेंगे नन ऑफ दीज फिक्स है बिकॉज मीन को ग्राफिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है मोड हो सकता है मीडियन हो सकता है बट मीन को ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता फाइन चलिए अब रीड करते हैं देर आर टू ओ जाइव लेस देन टाइप ओजाइव ऑप्टेन बाय टेकिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सेस एंड मोर देन टाइप ओजाइव बाय प्लॉटिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑन वर्टिकल एक्सेस दोनों को इस तरह से पॉइंट कर देना है ओजाइव में बी कंसिडर्ड फॉर ऑप्टेनिंग मीडियन क्वार्टाइल्स एंड अदर पोजिशनल वैल्यूज ग्राफिकली इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ओजाइव ऑन द एक्स एक्सिस देन वी गेट मीडियन तो उसे मीडियन आता है तो यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ओजाइव इज कौन सा डायग्राम है लाइन डायग्राम अनईक्वल विद ऑफ क्लासेस इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजाइव यहां क्लास इंटरवल इक्वल हो या अनईक्वल हमें तो सिंपली लाइन डायग्राम बनाना है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है 23. द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे सीएफ का है क्यूमु फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो इट इज ओजाइव 24 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा काम आने वाला है हिस्टोग्राम ट्वेंटी वर्टिकल बार डायग्राम May appear somewhat like histogram. Option number A. The number of types of cumulative frequency is two less than and more than. To find the number of observation less than any given value, dash is used, kisko use karenge. Number of observation less than the cumulative frequency distribution. एरिया डायग्राम इज एरिया डायग्राम कौन सा होता है हिस्टोग्राम लेस देन एंड मोर देन टाइप मीट एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑल्सो रेफर्स टू किस को रेफर करती है लेस देन या फिर मोर देन आंसर इज सी बोथ मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम ऑप्शन नंबर ए यूजिंग ओजाइव वी कैन डिटर्मिन क्या डिटर्मिन कर सकते हैं मीडियन या क्वाटाइल आंसर इज सी बोथ थर्टी थ्री अ कंपेरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कहां कर सकते हैं ओनली इनकेस ऑफ हिस्टोग्राम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फ्रीक्वेंसी कर फ्रीक्वेंसी कर इट इज सिंपली स्मूथ कर टोटल एरिया वन है और उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी करव बनाते हैं सो इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलिगन की जो फ्रीक्वेंसी पॉलिगन है या हिस्टोग्राम है उसका शॉर्ट फॉर्म उसको फ्री हैंड से अगर बना देते हैं तो वो किस तरह से दिखेगा द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑप्टेन बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ और फ्री हैंड कर्व थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम के जो बार्स है उनके मिडल से हमें फ्री हैंड कर्व बना देना है तो वो बन जाएगा हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी कर्व अब ये फोर टाइप्स के हो सकते हैं फर्स्ट वन इज बेल शेप कर बेल शेप कर तो ये हमने काफी डिटेल में वैसे पढ़ रखा है बेल शेप कर तो उसमें स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में दोनों जगह पे फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस स्टार्टिंग और एंडिंग में मिडिल में सबसे ज्यादा होती है सो so, ये डायग्राम नॉर्मली बहुत जगह फॉलो होता है फॉर एग्जांपल हाइट बहुत कम हाइट वाले लोग छोटे छोटे लोग पिग्मीज़ बहुत कम होते हैं ढाई फुट तीन फुट चार लोग बहुत कम मिलेंगे और बहुत बड़े लोग बहुत ज्यादा हाइट वाले साढ़े सात आठ फीट नौ फीट वाले लोग बहुत कम मिलेंगे सो so, दोनों साइड में फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन एवरेज मिडिल 5 फीट के आसपास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी सिमिलरली प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज बहुत सारी कंपनीज है बहुत कम प्रॉफिट वाली कंपनी लिमिटेड होगी बहुत ज्यादा प्रॉफिट यूज प्रॉफिट ये नंबर ऑफ कंपनीज भी कम होगी लेकिन एवरेज प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी बहुत सारी होगी तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है मिडल में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक्सट्रीम में फ्रीक्वेंसी कम नेक्स्ट इज यू शेप यू शेप कर अब इसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों जगह पे दोनों जगह पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है मिडिल में फ्रीक्वेंसी कम होती है मिडिल में फ्रीक्वेंसी कम है तो ऐसा कहां देखने को मिलता है अगर आपने मुंबई में ट्रेवल किया है मुंबई की लोकल ट्रेन मॉर्निंग टाइम में सब लोग ऑफिस स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो बहुत ज्यादा रश रहता है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है शाम को ऑफिस से आते वक्त फिर से बहुत ज्यादा रश है लेकिन डे टाइम में डे टाइम में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है लो रहती है सो इट फॉलोज यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट इज जे शेप कर्व जे शेप कर ये कब फॉलो होता है जैसे हम क्लास की बात करते हैं क्लास का टाइमिंग है मान लें थ्री ओ क्लाक तीन बजे अब कुछ लोग टू थर्टी आ जाते हैं पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं टू थर्टी कुछ लोग टू थर्टी फाइव टू फोर्टी टू फोर्टी फाइव तक आएंगे लेकिन टू फिफ्टी से थ्री ओ क्लॉक टू फिफ्टी से थ्री ओ क्लॉक फ्रीक्वेंसी एकदम से राइज होने लग जाती है स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन बाद में एकदम से राइज हो जाती है सो इट फॉलोज जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज मिक्सड वैल्यू कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज तो ये फॉलो करता है मिक्सड शेप कर तो ऐसा कहा होता है शेयर मार्केट में प्राइसेज ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है वेरी करती है कभी कुछ और कभी कुछ तो ये चार तरह के कर्व आ गए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व इनमें से सबसे ज्यादा यूजेबल है बेल शेप कर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलोज कंपनी का प्रॉफिट इट इज शेप कर्व अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेट आइडिया कौन देता है ओजाइम या फ्रीक्वेंसी पॉलिगन ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी पॉलिगन ओके सो फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा तो चैप्टर सिंपल है स्कोरिंग है इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है क्लियर